हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? चलिए, पढ़ाई जोरों से, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू रखिए, रुकिएगा मत। वेल, आइए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अमेंडमेंट्स के बारे में। आप मई में एग्जाम दे रहे हो, चाहे जून में एग्जाम दे रहे हो, मई में तो अब एग्जाम होगा नहीं, है ना? जून में एग्जाम दे रहे होंगे और हो सकता है वो और बढ़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो जब भी 2020 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे नवंबर में भी एग्जाम दे रहे हो, तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो अमेंडमेंट्स आपके लिए रिलेवेंट होगा, है ना? तो एग्जाम में अमेंडमेंट से कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑल्दो हम लोग क्लास में जो डिस्कस किए हैं वो अमेंडेड ही डिस्कस किए हैं, जो लेटेस्ट क्लास में डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा करने का कोशिश नहीं करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ही हम लोग जल्दी जल्दी उन सब अमेंडमेंट्स को एक बार फिर से देख लेंगे। हाँ, अगर आप लास्ट ईयर क्लास किए होंगे, नवंबर 2019 में अगर आपने एग्जाम दिया होगा, तो उस समय आपका असेसमेंट ईयर 1920 था, तो आपके लिए ये वीडियो फिर बहुत रेलिवेंट होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है? तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं, एक-एक करके अमेंडमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो आइए एक-एक करके, सबसे पहले हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करें रेट्स के बारे में, ठीक है? तो रेट्स में इंडिविजुअल और एचयूएफ, उसी का मेनली हम लोगों से प्रोविजन पूछा जाता है, तो उसमें कोई भी वैसा डिफरेंस, कुछ भी वैसा डिफरेंस नहीं है। रेट आपको याद ही है, 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, फिर 5 से 10 लाख तक 20%, एंड 10 लाख से ज्यादा जो भी इनकम होगा उस पर 30%। सीनियर सिटीजन जो होते हैं, जिनका एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा का हो, जो रेसिडेंट है, उनके लिए फर्स्ट जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है वो है 3 लाख। और वही अगर हम बात करते हैं जिनका एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा का है, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस केस में उनके लिए वो जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है वो 5 लाख रुपीज है। तो वो एज इट इज है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। रहा बात एचईएफ का, उसके लिए तो एक बेस जो स्लैब है वही एप्लीकेबल होता है ना? हाँ, अब फर्क कहाँ आया है? रिबेट में। लास्ट ईयर में ये रिबेट कितना था? लास्ट ईयर में ये जो रिबेट था, ये रिबेट आपका कितना था? लास्ट ईयर में ये रिबेट आपका 2,500 रुपीज मैक्सिमम था, और अभी ये रिबेट कितना हो गया है? 12,500 रुपीज हो गया है। लास्ट ईयर में ये सिर्फ 2,500 रुपीज था, और लास्ट ईयर में रिबेट अवेलेबल सिर्फ उन्हीं लोगों को होता था जिनका टोटल इनकम 3,50,000 एक्सीड नहीं करता था, है ना? तो लास्ट ईयर का अगर हम लोग बात करें, मतलब असेसमेंट ईयर 1920 का, तो इन दैट केस उसमें जो हम लोगों का टोटल इनकम था वो 3,50,000 रुपीज वाले टोटल इनकम के एसएससीज को 2,500 तक का रिबेट मिलता। बट अब ये रिबेट का अमाउंट बढ़ करके 12,500 हो गया है, और 5 लाख रुपीज तक जिनका इनकम होगा उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेट करते हैं, अगर आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो आप टैक्स कैलकुलेट करके देखिए 5 लाख पर इनकम टैक्स कितना आ रहा है, 12,500 ही एक नॉर्मल एसएससी को, ठीक है, जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उतना तो रिबेट आपको मिल ही जा रहा है। That means a person who has an income up to ₹5 लाख is not liable to pay even a single penny as tax. उनका सारा का सारा टैक्स एक तरीके से छूट गया, है ना? तो ये पहला चेंज आया कि रिबेट का अमाउंट हैज बिन इंक्रीज्ड, है ना? तो ये चेक करना है। दूसरा क्या है? सरचार्ज का रेट। सरचार्ज का रेट पहले 10% और 15% था, 50 लाख और 1 करोड़ का लिमिट पर, ठीक है? अब क्या है? अब उसका रेट का स्लैब्स आ गया है। क्या स्लैब आ गया है? कि भाई अगर आपका 50 लाख रुपया तक है वो निल है, ये तो पहले भी ऐसे ही था। अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, ओवर 50 लाख, बट कहाँ तक है? 1 करोड़ तक है, तब आपको 10% ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पर सरचार्ज लगेगा, ये भी पहले भी ऐसा ही था, कोई इस पे ज्यादा कुछ कुछ चेंज नहीं है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर 15% था पहले, इतना ही बात था, लेकिन बोला कि अगर 2 करोड़ तक है तो आपका सरचार्ज का रेट 15% ऑफ इनकम टैक्स हो जाएगा, है ना?
लेकिन अगर आपका इनकम 2 करोड़ से भी ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है तो आपका सरचार्ज का रेट 15% होगा, और अगर ये 5 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज का रेट 37% ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स हो जाएगा। इसके बाद जो HEC 4% लगना है वो तो लगना ही है। जैसे चलिए जल्दी से एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसी सरचार्ज के ऊपर। आइए कोई एक ऐसा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी आदमी का टोटल इनकम है, ये नॉर्मल SSC है, मतलब 60 ईयर्स के अंदर का SSC है, और इसका टोटल इनकम है से 3 करोड़ 60 लाख, है ना, ₹3 करोड़ 60 लाख। इसमें कोई भी और स्पेशल रेट का ये नहीं है, आपका सिंपली 3 करोड़ 60 लाख रुपीज का इनकम है SSC का। कितना रुपए का टैक्स आएगा बताइए? इसके ऊपर टैक्स आएगा, सबसे पहले अगर हम इनकम टैक्स का बात करें तो लेट अस कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑन दिस। आपको पता है 10 लाख रुपया तक तो 1,12,000 का टैक्स होता है ना, 20% का स्लैब है, तो ये 10 लाख से कितना एक्स्ट्रा है, ये 3.5 करोड़, मतलब 3 करोड़ 50 लाख रुपया। 3 करोड़ 50 लाख रुपया पर 30% का आपको टैक्स लगेगा, दैट मीन्स 1 करोड़ 50 लाख रुपया प्लस आपका 1,12,500, 10 लाख रुपया तक के इनकम पर टैक्स आएगा। याद है ना 10 लाख रुपीज तक के इनकम पर टैक्स कितना होगा भाई, अगर आप उसको भी ऐसे तोड़े तो 2.5 लाख तक कितना होगा, दैट इज निल। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना होगा, दैट इज 5%, और 2,50,000 पर 5%, है ना, तो दैट इज 12,500। फिर अगर हम बात करें 10 लाख तक कितना होगा, तो 10 लाख तक 20% का रेट है, 5 to 10 इट इज 1 लाख। तो हो गया ना भाई, 10 लाख रुपीज तक के इनकम पर आपका 1,12,500, और रहा उसके ऊपर कितना बचा, तो वी हैव ऑलरेडी कंसिडर 10 लाख, तो 350 लाख और बच गया, 3 करोड़ 50 लाख बच गया, और उस पर 30%, है ना, दैट इज 1 करोड़ 5 लाख, है ना। तो आपका दोनों तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये 1,06,12,500, दिस इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, 1,06,12,500। अब इसके ऊपर आपको क्या जोड़ना है, HEC? नहीं, पहले तो रिबेट लेना है ना, रिबेट। हाँ नहीं, आप गड़बड़ बोल रहे हैं, क्या गड़बड़ बोल रहे हैं, रिबेट तो भाई सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिसका टोटल इनकम 5 लाख रुपया तक है। इसका क्या टोटल इनकम 5 लाख है? नहीं, इसलिए इनको रिबेट नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं इनका सरचार्ज का। हाँ वो तो लगेगा, क्या रेट होगा भाई, याद करते हैं। चलिए पहला 50 लाख तक निल, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से ज्यादा हो और 2 करोड़ तक हो तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा हो, एक्सक्यूज मी, और 5 करोड़ तक हो तो 25%। रुक जाते हैं, ये तो वही है 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, तो इसीलिए सरचार्ज यहाँ 25% लगेगा। तो कितना होगा सरचार्ज इसका, 25%, इट इज ₹26,53,125। तो इतने टोटल इनकम पर आपका इतना रुपया अमाउंट आएगा, ठीक है। तो चलिए ये टोटल हो जाएगा कितना, 25% इसका ऐड कर दिए तो 1,32,65,625, है ना, ये हो गया आपका इनकम टैक्स एंड सरचार्ज, और इसमें HEC आ जाएगा एट द रेट ऑफ 4%। इनकम टैक्स और सरचार्ज दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आता है उस पे आता है ये, दैट इज ₹5,30,000, सॉरी 5,30,625, दोनों को ऐड कर दीजिए, हमने कर दिया,
ये आ गया आपका 1,37,96,250। दिस इज योर टोटल इनकम टैक्स पेबल, टोटल इनकम टैक्स पेबल। चलिए जल्दी से देखिए इसको एक बार। चलिए देख लिया आपने, तो यही है कि स्लैब के हिसाब से आपको सरचार्ज लगेगा। और एक अच्छा से ध्यान रखना है कि सरचार्ज पूरे के पूरे इनकम टैक्स पर लगता है ना, पूरे के पूरे इनकम टैक्स पर लगता है। इट्स नॉट दैट कि भाई एक स्मॉल अमाउंट पर लगता है या स्लैब है, तो ये पूरे के पूरे पर ही लगेगा। गॉट इट? चलिए अब तो अलग अलग है। अगर आपका इनकम मान लीजिए हो गया 6 करोड़ रुपया, 7 करोड़ रुपया, 5.5 करोड़ रुपया, तो सरचार्ज का रेट जो है वो बढ़ करके 37% हो जाएगा। वही तो हमने यहाँ देखा है ना कि सरचार्ज का जो रेट है वो 37, 5 करोड़ से ऊपर हुआ तो 37% तक चले जाएगा। क्लियर है? तो ये तो एक चीज है। अब दूसरा चीज क्या है यहाँ पर ध्यान देने का, कि जो सरचार्ज है वो 111A और 112A वाले इनकम टैक्स पर मैक्सिमम 15% होगा। 111A और 112A वाले इनकम टैक्स पर मैक्सिमम कितना होगा? 15% होगा। चलिए इसको समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से, फिर इसमें छोटे छोटे चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। आपको याद होगा क्या होता है 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका 1 लाख रुपया से ज्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन शेयर्स और सिक्योरिटीज जिसके ऊपर आपने सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स पे कर दिया है, तो उस केस में उसके ऊपर फ्लैट 10% के रेट से आपको टैक्स लगेगा। तो इस पे हम बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग इस पर पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं और इसमें कोई नया चीज नहीं है, ये तो पुराने साल में भी था। ठीक है? तो उसके ऊपर जो भी है उस पर टैक्स जो लगेगा तो वो नॉर्मल 10% लगेगा, 1 लाख से ऊपर जितना होगा उस पर, है कि नहीं? तो आइए अगर हम समझ लीजिए, हम बोलते हैं मान लीजिए कि ये हमारा 15 लाख रुपए है। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। मान लीजिए ये हमारा 50 लाख रुपए, और मान लीजिए अदर इनकम है, सैलरी, बिजनेस इनकम, हाउस प्रॉपर्टी है ना, ये सब अदर इनकम है। वो है मान लीजिए, इस पर स्लैब लगता है, वो है मान लीजिए 6 करोड़ 80 लाख। ठीक है? तो 680 प्लस 50, 730, 10, 740 और उस पर 5। ठीक है? तो 7 करोड़ 45 लाख है मान लीजिए हमारा टोटल इनकम। आप इस पर टैक्स निकाल के बताएंगे क्या? जल्दी से आप इस पर टैक्स निकाल करके बताइए तो, कि भाई इस पर कितना रुपया टैक्स होगा, है ना? कि भाई 15 लाख, सॉरी ये हम गलत एक एक जीरो इसमें ज्यादा कर दिए। ठीक है, लेट मी रेक्टिफाई इट। ये 15 लाख है और ये 50 लाख है, ये 50 लाख है। ठीक, ये ठीक। चलिए आप जल्दी से निकाल करके बताइए इस पर इनकम टैक्स कितना होगा। निकाल लिया आपने? चलिए अब हम लोग मिलके निकालते हैं। आइए सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A पर निकालते हैं हम लोग। हम लोगों को पता है 1 लाख रुपया तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A पर टैक्स नहीं लगता है। तो अगर हम बात करें तो 14 लाख पर लगेगा और रेट बहुत सिंपल है, कितना है? 10%। तो
इनकम टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A एट द रेट ऑफ 10%, और ये होगा सिर्फ 1,40,000, है ना, क्योंकि 15 लाख में 1 लाख पर तो टैक्स लगता नहीं है, तो फिर 1,40,000 आएगा 14 लाख पर 10%। और STCG पर, जो कि अंडर सेक्शन 111A है, उसके ऊपर अपने को 15% टैक्स देना पड़ता है, तो 50 लाख है, 50 लाख का 10% है 5 लाख, और 5% है 2,50,000, तो टोटल हो गया 7,50,000। और अदर इनकम पर कितना होगा, ये स्लैब रेट से होगा, तो अदर इनकम में 6,80,000, तो आपके अपने को पता है 1,12,500 तो होता है कितना पर, 10 लाख पर, 10 लाख पर 1,12,500 हो गया, तो आउट ऑफ 6,80,000, है ना, हम 10 लाख हटा देते हैं तो बच गया हमारा 6,70,000, इस पर 30% स्ट्रेट अवे ले लेंगे तो आ जाएगा 2,01,00,000, 2,01,00,000, 2,01, फिर 00,001, क्लियर, 00,000, ठीक है, सबको जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2,12,000, सॉरी सॉरी सॉरी, एक छोटा सा गड़बड़ हो गया, इसको ठीक करते हैं, इसको पहले ठीक करते हैं, 2 करोड़, क्योंकि भाई 1,12,500 तो 10 लाख पर था ना, उसको भी तो ऐड करेंगे, उसको 2 करोड़ 1 लाख में ऐड करेंगे तो इट विल बी 2,12,500, 2,12,500, हाँ। अब हम उसका टोटल निकालते हैं, प्लस 7,50,000 एंड प्लस 1,40,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,11,02,500, दिस इज योर इनकम टैक्स, ठीक है। अभी मेरे पास इधर जगह नहीं है तो हम इधर इधर ही यहाँ इसका निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर सरचार्ज आएगा, आप इसके नीचे ही लिखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं सरचार्ज आएगा। सबसे पहले बताइए सरचार्ज का रेट देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सरचार्ज का रेट देखने के लिए हम लोग सबसे पहले टोटल इनकम देखते हैं, एंड दिस टोटल इनकम इज 7,45,00,000, ठीक है ना, तो इस पे तो 5 करोड़ से ज्यादा है, 37% का सरचार्ज लगेगा, गॉट इट, इस पे 37% का सरचार्ज लगेगा। आइए हम लोग 37% का सरचार्ज लगा लेते हैं, लेकिन इस पर 37% का सरचार्ज लगेगा, इस पर जो इनकम टैक्स आएगा, बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A एंड 111A रेस्पेक्टिवली, उस पर सरचार्ज मैक्सिमम 15% होगा, ठीक है। हम फिर से जाएं, अगर उसको देखें हम लोग जल्दी से, तो आइए देखिए, सरचार्ज अंडर सेक्शन, सरचार्ज ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A शैल नॉट एक्सीड 15%, तो इन दोनों पर 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आइए सबसे पहले सरचार्ज ऑन LTCG अंडर सेक्शन 111A एंड S12A एन एस टी सी जी अंडर सेक्शन 111A एट द रेट ऑफ 15%, ऑल्दो बाकी सब में होने दीजिए सरचार्ज जितना लगता है, लेकिन इन दोनों में कितना लगेगा, 15%, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, उससे कम लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, तो ये है 1,40,000 प्लस 7,50,000, दोनों मिलाकर के 8,90,000, इस पर 15% का सरचार्ज कम्स टू 1,33,500, और ऑन अदर इनकम टैक्स
ऑन अदर इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 37%। ठीक है, तो ये होगा 2,02,000, तो 2 crore 12,500, 2 crore 12,500 इस पर 37%, ये है आपका 74,78,625। तो ये दोनों तो सरचार्ज हो गया, चलिए इसके साथ इसको जोड़ देते हैं, है ना। टोटल सरचार्ज तो हो गया इन दोनों का सम टोटल, दैट इज 76,12,125। उसमें ऐड कर दीजिए 2 crore 11,02,500, तो टोटल आपका ये हो जाएगा 2 crore 87,14,600। चलिए इन दोनों को तो हमने जोड़ दिया, है ना, इन दोनों को तो हमने जोड़ दिया। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद अब हम लोगों को इस पे एच ई सी जोड़ना है। एच ई सी याद है ना, एच ई सी एट द रेट ऑफ 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% जोड़ना है। तो इसका 4% कम्स टू, इसका 4% कम्स टू कितना, आप एच ई सी ऐड कर दीजिए, 11,48,585, है ना, 11,48,585। दोनों को ऐड कर देते हैं तो अपना टोटल इनकम टैक्स हो जाएगा 2 crore 98,63,210। अपना टोटल इनकम टैक्स पेबल हो जाएगा, टोटल इनकम टैक्स ये है आपका 2 crore 98,63,210। बात समझ में आ गया। तो आपको क्या है कि सरचार्ज को हम लोग मेनली गौर कर रहे हैं, बाकी और सब चीज तो सेम है। सरचार्ज का जो स्लैब है वो नया आ गया है, ठीक है, और उसका रेट्स एकदम चेंज हो गया। इज दिस क्लियर? चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इसी पर एग्जाम्पल्स और समझने का कोशिश करते हैं। इंश्यू का एक गाइडलाइन आया है आपका, आप देखे होंगे नेट पर डेफिनेटली, ठीक है। आइए एक बार हम लोग उसको रेफर करते हैं। ये जो इंश्यू इनकम टैक्स के लिए स्टैट्यूटरी अपडेट लेकर के आया, जो आप इंश्यू के साइट पर देख सकते हैं, जो कि एप्लीकेबल है मई 2020 एग्जामिनेशन के लिए, उसको हम लोग थोड़ा सा देख करके जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। ये वही बोला है सरचार्ज के लिए, है ना, कि भाई 25% होगा, 37% होगा, 2 crore 5 crore, ये सब सब के बारे में, ठीक है। फिर साथ में बोलता है कि वो 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर और 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर स्ट्रेट अवे एप्लीकेबल नहीं होगा, वो मैक्सिमम होगा तो 15% ही होगा, ठीक है। तो आइए अब उस मैक्सिमम 15% को समझने का कोशिश करते हैं इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल के थ्रू। क्या है, बोलता है कि अभी देखिए, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 30 लाख, एक काम करते हैं, चलिए इसको हम लोग कहीं लिख लेते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30 लाख, लॉन्ग टर्म 25 लाख, अदर इनकम 40 लाख, है ना। तो इस पे क्या सरचार्ज का इम्प्लीकेशन होगा, आइए हम लोग एक अलग जगह लिख लेते हैं और लिख करके समझते हैं, वहां टेबल में बना करके दिया हुआ है, ठीक है। आइए एक जगह हम लोग लिख लेते हैं इंस्टीट्यूट के उसी पर्टिकुलर डिटेल को। आइए चलिए एग्जाम्पल लेकर के हम उसको एग्जाम्पल के केस में लिख लेते हैं, केस वन, 5-7 केस रख लेते हैं, चलिए केस 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। रुपीस कर देते हैं इन लाख, हम लोग मेनली जो इंस्टीट्यूट समझाया है उसी को समझने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेते हैं अंडर सेक्शन 111A, फिर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, फिर लेते हैं अदर इनकम, है ना। ये तीन अलग अलग इनकम्स में कैटेगरीज में हम लोग इनकम को डिवाइड किए,
ठीक है। चलिए वो एग्जाम्पल जो है वो मेरे सामने खुला हुआ है, तो हम यहाँ पर आराम से देख करके आपके लिए लिख लेते हैं, आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। बाय द वे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दोनों शीट्स आपको मिल जाएगा, उसका लिंक होगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको इंस्टीट्यूट का वो शीट भी मिल जाएगा और उसका लिंक, और साथ ही साथ आपको अभी जो हम लोग जो मेरा जो शीट है उसका भी आपको PDF लिंक मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम वहां से समरी बनाते हैं। 30 लाख है ये, ठीक है। 25 लाख है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड 40 लाख है आपका अदर इनकम। टोटल मिला करके ये ठीक है, टोटल मिला करके 95 लाख, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कितना सरचार्ज है भाई? हम लोग को तो पता है कि भाई सरचार्ज के लिए हम लोगों का अलग अलग स्लैब्स है, 50 लाख तक कुछ नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ तक के नेट इनकम पर सरचार्ज लगेगा आपको 10%। तो यहाँ सब पर 10% लगेगा, इन दोनों पर मैक्सिमम 15 बोला ना, 10 तो हो ही सकता है, मैक्सिमम से कम तो हो ही सकता है, इसलिए आपको उस पर कितना लगेगा, 10% ही लगेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सरचार्ज ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ले लेते हैं, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ले लेते हैं। मतलब इन दोनों पर है ना, इन दोनों पर सरचार्ज का रेट 10% ही रहेगा है ना, और सरचार्ज ऑन अदर इनकम, सरचार्ज ऑन अदर इनकम क्या होगा, मतलब इस 40 लाख पर वो भी 10% ही रहेगा। बात समझ रहे हैं? दोनों पर 10% रहेगा भाई, कम हो तो चलेगा, मैक्सिमम 15 होगा इन दोनों पर। क्लियर है? समझ में आ गया? निकालेंगे इनकम टैक्स वैसे ही, और उसके बाद फिर सरचार्ज वहां पर ऐड कर देंगे है ना, फिर HEC ले लेंगे। उसके बाद चलिए पॉइंट नंबर 2 में चल रहे हैं। उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 60 लाख, लॉन्ग टर्म है 65 लाख और अदर है 50 लाख। इस दस के तीनों मिला करके कितना हो गया, 1 करोड़ 75 लाख। चलिए अब आप लिखिए जल्दी से इस पर सरचार्ज कितना होगा, निकाल लिया आपने? चलिए तो सबसे पहला टोटल है 1 करोड़ 75 लाख, तो 1 करोड़ 75 लाख के का इनकम है, उस 1 करोड़ 75 लाख के इनकम के ऊपर सरचार्ज का स्लैब क्या है? उस 1 करोड़ 75 के ऊपर सरचार्ज का स्लैब अगर हम बात करें तो 1 से 2 करोड़ के बीच में 15% है, कोई दिक्कत नहीं है, और इन दोनों पर भी कितना मैक्सिमम हो सकता है, 15% हो सकता है, ऑल करेक्ट, ठीक है। तो आइए क्या ले ले, तो हम सबके लिए कितना ले ले, 15%, दोनों के लिए कितना ले ले, 15 15% ले ले, कोई इश्यू नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए 54 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 55 लाख है, और 3 करोड़ का, 1 करोड़ में 100 लाख होता है, तो 300 लाख 3 करोड़ का आपका अदर इनकम है, और टोटल हो गया 4 करोड़ 9 लाख। तो ये तो आपका 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में हो गया, तो जब ये 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में हो गया तो सबसे पहले अब हम चलते तो ऐसे दिमाग में आता है कि भाई सरचार्ज का रेट इज 25% है। यस एब्सोल्यूटली करेक्ट, बट द मैटर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर सरचार्ज कितना होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर सरचार्ज मैक्सिमम 15% हो सकता है, और लॉन्ग टर्म पर भी अंडर सेक्शन दीज टू, तो इसका तो 15 ही लेंगे, और बाकी इसको देखेंगे ये कितना है, ये तो भाई ज्यादा है, किससे, 2 करोड़ से, तो टेक हियर कितना परसेंट, 25% है ना। मतलब इस पर आप स्लैब आराम से लगाइए और इसको देखने के लिए इसी का स्लैब देखिए है ना, और आराम से आप उसके ऊपर टैक्स को अप्लाई, टैक्स रेट को अप्लाई कीजिए। बात समझ में आ रहा है?
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। 50 लाख, ये 65 लाख और 6 करोड़ रुपीस का अदर इनकम, टोटल मिला करके 7 करोड़ 15 लाख रुपीस का टोटल इनकम। ठीक है, 7 करोड़ 15 लाख का टोटल इनकम, बात समझ में आया। तो अब 7 करोड़ 15 लाख रुपए के टोटल इनकम के ऊपर में कितना सरचार्ज बनता है? ये इनकम है, इस पर इनकम टैक्स निकालेंगे और उसके ऊपर सरचार्ज लेंगे कोई एक का। चलिए हम लोग अभी थोड़ी देर में इनकम टैक्स भी निकाल लेंगे एक बार फिर से, बट अभी सरचार्ज का बात करते हैं। तो 50 लाख और इस पर 65 लाख पर अगर इन दोनों को जोड़े तो इट इज 1 करोड़ कितना, इट इज 1 करोड़ 15 लाख। ठीक है भाई, ये 1 करोड़ 15 लाख हो, 2 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, कितना भी हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, उसके ऊपर में सरचार्ज आपका 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इन दैट केस आवर सरचार्ज शैल बी लिमिटेड टू 15% ओनली, है ना। तो इधर टेक इट 15%, यू मे आर्ग्यू व्हाट, यू मे आर्ग्यू दैट ऑन टोटल इनकम इज मोर देन 5 करोड़, है ना, तो सरचार्ज शुड हैव बीन 37%, बट यू आर टेकिंग 15%। अरे वही तो बोला उधर कि भाई इन दोनों पर जो सरचार्ज है ना, अंडर सेक्शन 111A एंड अंडर सेक्शन 112, दैट शैल नॉट एक्सीड 15%, तो हम बाकी के पे लगाएंगे, इस पर 15 से ज्यादा नहीं। तो चलिए इस पर 15 एंड बाकी पर, ये भी तो आपका कितना से ज्यादा है, ये 5 करोड़ से ज्यादा है, तो टेक सरचार्ज एट द रेट ऑफ 37% ऑन द इनकम टैक्स, है ना। तो अभी इनका पर 37% आएगा, गॉट इट। चलिए लेट अस टेक अदर एग्जांपल। 60 लाख ये है, 55 ये है और 1 करोड़ 10 लाख ये है। क्लियर है? तो टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 2 करोड़ 25 लाख। इज दिस क्लियर? 2 करोड़ 25 लाख का टोटल इनकम। तो कैन वी से दैट टोटल इनकम हैज बीन एक्सीडेड बाय रुपीज 2 करोड़, देन दैट मीन्स सरचार्ज रेट शुड बी व्हाट, सरचार्ज रेट या रेट ऑफ सरचार्ज शुड बी 25%, बट नो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो फॉर व्हाट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो हम इन दोनों पर हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, एंड दैट इज 15%, गॉट इट। और ये रहा 110, 110 मीन्स 1 करोड़ 10 लाख। तो ये तो आपका एक्सीड कर दिया 1 करोड़ से, दैट मीन्स इस पर भी कितना आएगा, 15%। ऐसा नहीं देखेंगे कि भाई टोटल में आ रहा है 25%, तो लेट अस चार्ज ऑन दिस आल्सो 25%, नहीं। फॉर दैट वी नीड टू चेक इसका भी पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस अदर इनकम, दैट मीन्स इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक वेदर वी आर लायबल टू liable for surcharge or not, that particular thing is to be checked on the basis of, on the basis of total income. The first of all we need to check our total income. If our total income is exceeding rupees 50 lakh or 1 crore as the case may be, if our total income is exceeding 50 lakh, that means we are liable to pay surcharge. Is this clear? Theek hai, then we will move to check what is the components of total income. Okay, तो पहले तो हमको ये देखना है कि भाई मेरा total income बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे let us check here, my total income has been exceeded by 50 lakh, that means we are liable to pay surcharge. Then what is the rate of surcharge, 10%. Then we will go for short term capital gain and long term capital gain. Can we pay surcharge at the rate of 10% on these two? Yes. मैक्सिमम 15% इज देयर, बट 10% तो दे ही सकते हैं, तो लेट अस चार्ज 10%। एंड देन अदर इनकम, अरे बाबा इट इज नॉट एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख इवन, आर वी लायबल? यस, वंस दिस हैज बीन एक्सीडेड वी आर लायबल टू पे सरचार्ज। एंड देन
देन फॉर रेट पर्पसेस वी विल चेक दिस, है ना। इफ 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 वी आर लाइबल 10% सरचार्ज इज द मिनिमम दैट वी आर लाइबल टू पे, इट मे बी 15% ऑल्सो, है ना, डिपेंडिंग ऑन दिस। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू चेक कि भाई ये किस में फॉल कर रहा है। इफ दिस इज नॉट एक्सीडिंग व्हाट, इफ दिस इज नॉट एक्सीडिंग से 2 करोड़, देन रेट ऑफ सरचार्ज विल बी 15%। हैड दैट बीन एक्सीडेड बाय ₹2 करोड़, इन दैट केस द रेट ऑफ सरचार्ज वुड हैव बीन कितना, 25%। ठीक है, लाइक हियर एज दिस इज मोर देन ₹2 करोड़, तो हमने इस पर 25% लगाया। एज दिस इज मोर देन 5 करोड़, हमने 37 लगाया, बट दिस इज नॉट मोर देन 2 करोड़, तो हम इस पर 15 ही लगाएंगे। बात समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया रेट। आइए देखते हैं, एक बार चेक करते हैं, आप बताइए, आप बताना है आपको 2 करोड़ ये, 3 करोड़ ये, है ना, और 40 लाख ये, ठीक है। आप इसके ऊपर जल्दी से बताइए क्या क्या सरचार्ज होगा, है ना, जल्दी से बताइए। निकला आपका, बताइए कितना आया। तो इस पर, इन दोनों पर, ऑल दो देखिए ये 5 करोड़ रुपया है, तो 5 करोड़ रुपया है तो क्या 25% लगा दें? नहीं, मैक्सिमम कितना होगा, 15%। मैक्सिमम कितना होगा, 15%। एंड नाउ फॉर दिस, तो ये अगर हम बात करें तो ये कितना है, ये 40 लाख है। ऐसे सिर्फ 40 लाख देखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर तो सरचार्ज ही नहीं होता है, लेकिन आपका टोटल इनकम इज फॉलिंग अंडर द परव्यू ऑफ सरचार्ज, जैसे फर्स्ट वाले केस में भी आया था। लेकिन क्या ये आपका 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है? नहीं, ये नहीं है 5 करोड़ से ज्यादा, तो इसलिए इसके ऊपर, ये जरूर है लेकिन ये 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर जो टैक्स है, ये सरचार्ज का लाइबिलिटी होगा, ये 37% नहीं आएगा। फिर इसको चेक करना पड़ेगा कि अदर इनकम क्या अपने स्लैब को एक्सीड कर रहा है, ये अदर इनकम अपने स्लैब को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस हम लोगों का सरचार्ज का लाइबिलिटी कितना हो जाएगा, 15%। ठीक है, ये 25% में नहीं आएगा, नहीं 37% में आएगा, तब फिर ये कहाँ पर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, 15% में ही रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये अगर 2 करोड़ क्रॉस करता तो 25% हम लोग लेते। इज दिस क्लियर? ये अगर 2 करोड़ क्रॉस करता ना, जैसे यहां देखिए ये कितना क्रॉस किया, 1 करोड़ क्रॉस किया, तो हम 15% ही लिए ना, जबकि टोटल कितना क्रॉस कर गया, टोटल 2 करोड़ क्रॉस कर चुका है, लेकिन फिर भी हमने कितना लिया, फिर भी हमने कितना लिया, 15% ही इसके ऊपर लिया है ना। तो उसी तरीके से ये भी आपका क्रॉस कर चुका है 5 करोड़, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर में नहीं जाएंगे, इसके ऊपर में 15% ही मैक्सिमम हम लगाएंगे। इज दिस क्लियर? चलिए, यही था आपका सरचार्ज ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A एंड अदर इनकम्स। ठीक है, इसमें से चलिए कोई भी एक को हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई भी एक को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग फिफ्थ वाले केस को सॉल्व करते हैं। आइए जल्दी से एक बार केस नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं, समझने के लिए। आप अगर समझ गए हैं तो आप अपने से सॉल्व करके आंसर को थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग केस 5 में जा रहे हैं। ठीक है, तो हम सीधे निकालते हैं इनकम टैक्स ऑन, आप भी अपने कॉपी में देखिए, इनकम टैक्स ऑन सबसे पहले है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। तो यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 60 लाख रुपीज का है, तो 60 का 15% 9 लाख, ठीक है। उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 112A, तो 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, ओके, हम ऊपर लिख दिए लगता है इसको, इसको नीचे लिख देते हैं, सॉरी,
दिस इज 9 लाख, है ना। फिर 112 रेट कितना है आपका इनकम, 55 लाख, लेकिन होगा तो 54 लाख ना, 1 लाख रुपए तो पर तो लगता नहीं है, तो 5,40,000। एंड देन ऑन अदर इनकम, हम सबसे पहले इनकम टैक्स निकाल लेंगे, फिर उस पर सरचार्ज लगाएंगे। अदर इनकम है 1 करोड़ 10 लाख, 10 लाख पर तो 1,12,500, और 1 करोड़ पर 30% 30 लाख, तो 31,12,500, बहुत सिंपल। अब टोटल इनकम टैक्स कितना हो गया यहाँ पर, आइए 31 और 9, 31 और 9 45 लाख, 52,500, ठीक है। मेरे ख्याल से यही कैलकुलेशन होना चाहिए, है ना, 415,595, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं सरचार्ज, सरचार्ज ऑन एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A एंड एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है। एट द रेट ऑफ 15% हम क्लियरली इसको दिखाने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज आप सारे पर क्या ले सकते थे, हाँ आप सारे पर ही 15% ले सकते थे, हम अच्छे से दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। देखिए केस नंबर 5 में सभी पर क्या है, सभी पर 15% है ना, बट सिर्फ दिखाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सेपरेटली शो कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 प्लस 5, 14,40,000 का 15%, इट इज 2,16,000, और वही बाकी का है 31,12,500 का 15%, दिस कम्स टू अदर इनकम के टैक्स पर 15%, 4,66,875, ठीक है। अब ये जो सरचार्ज आया है उसको 45 लाख से जोड़ देते हैं, 45 लाख, 52,500, तो इनकम टैक्स और सरचार्ज हो जाएगा 52,35,375, ठीक है, 52,35,375, दिस इज इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। और इसके ऊपर आप HEC ऐड कर दीजिए एट द रेट ऑफ 4%, इसका 4% कम्स टू 2,09,415, एंड टोटल इनकम टैक्स पेबल 54,44,790, 54,44,790, इज दिस क्लियर। तो ये है प्रोविजन आपका इनकम टैक्स एंड सरचार्ज का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, इज दिस क्लियर। तो चलिए ये पहला सेक्शन था हम लोग के अमेंडमेंट का जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अमेंडमेंट का देखते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 बने, जो पहले था 40,000, अब बढ़ करके 50,000 हो गया। तो अब आप जब सम सॉल्व करेंगे तो ये 40,000 से इंक्रीज होकर के कितना हो गया, 50,000, उसके हिसाब से सम्स को सॉल्व करेंगे, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, है ना, मेरे ख्याल से ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा सा जल्दी से ध्यान दे देते हैं कि भाई अब आपका पहले तो सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड था, बट अब कितना हो गया, दो हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया जाएगा, और उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग निल कंसिडर करेंगे, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज का, है ना। अब ये कैसे सिलेक्ट करना है कि कौन सा दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा जिसका हम गैप ग्रॉस एनुअल वैल्यू को निल कंसिडर करें, और उसके इंटरेस्ट के का डिडक्शन उस पर मैक्सिमम हम 2 लाख रुपया तक और 30,000 किसी किसी केसेस में कंसिडर करें, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है जो हम पहले ही बना चुके हैं कि कैसे हम शॉर्ट में उसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं।
तो वो आप वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है। ये अमेंडमेंट वाले ही इसमें प्लेलिस्ट में हैं, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक हमारा गैप क्या होगा, निल होगा, और उसके बाद फिर हम लोगों का गैप रीजनेबल रेंट के ऊपर में होगा, हमारा एक्सपेक्टेड रेंट पर, क्लियर है। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है कि हम अगर हमारा बिजनेस है, प्रॉपर्टी लेट आउट करना हमारा बिजनेस नहीं है, प्रॉपर्टी खरीद करके बेचना या बना करके बेचना मेरा बिजनेस है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी को लेट आउट करना, प्रॉपर्टी को लेट आउट करना मेरा बिजनेस है, अगर प्रॉपर्टी को लेट आउट करना मेरा बिजनेस है, तो इन दैट केस वो प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम होगा, दैट रेंटल इनकम इज माय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अग्री? अगर प्रॉपर्टी लेट आउट करना है मेरा बिजनेस है, तो उससे जो मेरा इनकम होगा, दैट इनकम इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी लेट आउट करना मेरा इनकम नहीं है, रादर प्रॉपर्टी बना करके बेचना मेरा मेन काम है और वो मेरा बिजनेस है। तो इन दैट केस प्रॉपर्टी खरीद करके बेचना या बना करके बेचना अगर मेरा बिजनेस है, तो इन दैट केस मेरा प्रॉपर्टी खरीद करके बेचना और बना करके बेचने से जो इनकम आएगा वो मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है। बट समझ रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी बिका नहीं तो बीच में हो सकता है हम उसको किसी को लेट आउट कर दें, तो वैसे प्रॉपर्टी को जो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है उसको अगर हम लेट आउट करते हैं, तो उससे जो इनकम आएगा दैट इज नॉट अ बिजनेस इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बात समझ रहे हैं, इसको बहुत क्लियरली हम लोग क्लास में देखे, कोई इसमें नया चीज नहीं है, ठीक है। बट वहां क्या था कि अगर किसी रीजन से हम प्रॉपर्टी बनाएं और वो बिका नहीं, है ना, किसी रीजन से हमारा प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है और कंस्ट्रक्ट हमने कर दिया, वी गॉट द कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट इवन, बट देर इज नो परचेजर, द प्रॉपर्टी इज स्टिल इन माई स्टॉक इन ट्रेड, इन दैट केस हो सकता है देर आर मोर देन देर आर मेनी हाउस प्रॉपर्टीज दैट इज नॉट एक्चुअली सेल्फ ऑक्यूपाइड, आर वी स्टेइंग देयर, इज द बिल्डर स्टेइंग देयर? नो, इट इज नॉट अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर हिम, इट इज रादर स्टॉक इन ट्रेड फॉर हिम। तो अगर स्टॉक इन ट्रेड हमारा पड़ा हुआ है, तो स्टॉक इन ट्रेड तो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल करके तो नहीं बोल सकते, है ना। तो वहां पर क्या बोलता है, पूरी प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज आपने कंस्ट्रक्ट की है, उन सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो कि कंस्ट्रक्ट की है लेकिन बिक नहीं पा रही है, उस पर तो आपका डीम टू बी लेट आउट बोल करके टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। तो उसमें रिलैक्सेशन पिछले साल 1 ईयर तक था कि अगर बन करके तैयार हुआ एंड यू गॉट द कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटी, इन दैट केस अगर आपका वो नहीं बिका है, तो टिल 1 ईयर फ्रॉम दैट कंप्लीशन सर्टिफिकेट डेट आपका प्रॉपर्टी का गैप निल लिया जा सकता है ना। मतलब उस पर फिर आपका टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगा। लेकिन अब उस 1 ईयर को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 2 ईयर्स। बात समझ में आ रहा है, उस 1 ईयर के पीरियड को बढ़ा करके अब 2 ईयर्स कर दिया गया। मतलब आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया, आपका प्रॉपर्टी बिक नहीं रहा है, ठीक है। एक्चुअली अभी हाउसिंग सेक्टर में आप देखे हैं बहुत ज्यादा स्लंप है, बहुत ज्यादा एक्चुअली रिसीशन आया हुआ है ना, जिसके चलते बहुत सारे स्टॉक पाइलअप हो चुके हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन करके तैयार है, खड़ी है, बिक नहीं रही। तो उनको रिलैक्सेशन देने के लिए ये आया कि भाई 2 साल तक हम क्या मान लेंगे, वो जो प्रॉपर्टी है अगर वो अनसोल्ड रह भी जाता है तो उसका ज्ञान हम मिल ले लेंगे। समझ रहे हैं, ये भी एक नया चेंज है आपके हाउस प्रॉपर्टी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन का, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो मोटर कार्स में, ठीक है, मोटर कार्स में, किसमें, मोटर कार्स में डेप्रिसिएशन का रेट 15% हुआ करता था, है ना। अगर उस कार को आपने खरीदा और खरीद करके पुट टू यूज किया, आपको 50 बिजनेस में, मतलब आप उस कार को क्या कर रहे हैं, कार से ऑफिस जा रहे हैं आ रहे हैं, कार से कस्टमर्स के पास जा रहे हैं आ रहे हैं, ठीक है, कार कार को बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, तब आपको 15% का डिप्रिसिएशन पहले मिलता था। बट अभी क्या हुआ, कार
कार लोग ज्यादा खरीदे तो उसमें कुछ इंसेंटिव्स दे रहे हैं। क्या इंसेंटिव? क्योंकि कार में भी स्लंप है एक्चुअली, अभी सारे के सारे मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी छाया हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए, कार मार्केट को बूस्ट करने के लिए एक प्रोविजन लाया गया कि इफ यू हैव परचेज, यू हैव अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज, दोनों क्या है, अक्वायर्ड एज वेल एज एंड है, एंड पुट टू यूज बिटवीन व्हाट, 23rd August 2019 टू 31st March 2020, मतलब पिछले साल के लास्ट के समय में आपने क्या किया है, अगस्त से, ये डेट याद रखना है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एटलीस्ट, ठीक है। तो आपको अगर आपने 23rd August 2019 से 31st मार्च 2019 के बीच में अगर आपने कार परचेज करके पुट टू यूज किया है, तो आपका डिप्रिशिएशन 15% नहीं होगा, 15% नहीं होगा, जो कि नॉर्मल है, आपका डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, क्लियर है। वही अगर आपका काम है कार से पैसेंजर्स को लेना और उनको छोड़ना, तो फिर आपका पहले इसका रेट था 30%, अब वो 30% नहीं रहेगा, रादर कितना हो जा रहा है, 45%। पीरियड वही है, अगर आप इस पीरियड के बीच में कार खरीदते हैं और पुट टू यूज करते हैं, तो आपका रेट ज्यादा होगा डेप्रिसिएशन का। अगर हम बात करें तो हमने एक समरी बनाई है, नीचे डिटेल्स भी है, आप जब ये शीट डाउनलोड करेंगे तो पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा प्रोविजंस भी है ना, बेयर प्रोविजन डाला हुआ है, सो दैट कि आप पढ़ ले, है ना। जैसे हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार यूज फॉर रनिंग देम ऑन हायर एंड यूज फॉर अदर देन रनिंग देम ऑन हायर, है ना। तो अगर आप उसको हायर पे चला रहे हैं टैक्सी की तरह या कैब की तरह, तो उस केस में अगर अक्वायर्ड एंड और पुट टू यूज बिफोर 23A 2020, इस तारीख के पहले अगर लेते हैं तो 30%, इस तारीख के दिन या उसके बाद लेंगे तो 45% का आपको डिप्रिशिएशन मिलेगा। वही अगर आप अदर देन पुट टू यूज करते हैं, मतलब रनिंग देम ऑन हायर नहीं करते हैं, अपने बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं, तो इन दैट केस रेट विल बी 15%। बट अगर आप 23A 2020 से लेकर के 31st मार्च के बीच में अगर खरीद करके पुट टू यूज करते हैं, तो आपका रेट विल बी 30%, क्लियर है। तो ये रेट आपका बढ़ा हुआ है, ये फायदा आपको मिलेगा। ये डेट्स आपको इस एग्जाम और नवंबर के एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि इसी असेसमेंट ईयर के लिए ये इफेक्टिव हो रहा है ना, तो हमको इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आइटम चलते हैं, सेक्शन 43B। सेक्शन 43B याद होगा आपका, अगर आप अक्रूवल सिस्टम मतलब मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, फिर भी कुछ कुछ एक्सपेंसेस है जिनका डिडक्शंस आपको पेमेंट के बेसिस पर मिलेगा, है ना। सेक्शन 43B उसी के बारे में बात करता था। अगर हम पुराने प्रोविजंस का बात करें तो 7 आइटम्स थे उसमें। सबसे पहला था अगर हम बोले तो टैक्स ड्यूटी और सेस, जो गवर्नमेंट को आप पेमेंट करते हैं, उन सब का डिडक्शन आप अगर ड्यूरिंग द ईयर में पे कर देते हैं, जिस साल का एक्सपेंस है तो उसी साल डिडक्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप जिस साल का एक्सपेंस है उसके ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक पे कर दीजिए। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर उसका डिडक्शन आपको कब मिलेगा, फिर आपको उसका डिडक्शन जिस साल पे करते हैं उस साल मिलेगा। इज दिस क्लियर? फिर से हम रिपीट करते हैं, अगर आप ये 43B के आइटम्स का बात करें, तो जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल पे कीजिए, उस साल नहीं पे करते हैं तो जिस साल का एक्सपेंस है उसके ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक पे कर दीजिए, ठीक है। तो आपको डिडक्शन उसी साल मिल जाएगा, अदरवाइज डिडक्शन आप जिस साल पेमेंट करेंगे उस साल मिलेगा। तो ऐसे 7 आइटम्स थे, तो फर्स्ट है एनी टैक्स ड्यूटी और सेस, एनी टैक्स ड्यूटी और सेस पेबल टू गवर्नमेंट। सेकेंड है आपका आपका ये क्या बोलते हैं, कमीशन और बोनस, ठीक है, पेबल टू एम्प्लॉय। थर्ड है आपका इंटरेस्ट, इन थर्ड और फोर्थ दोनों ही इंटरेस्ट था, है ना, अभी भी है, ठीक है। एक है आपका फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, है ना, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंट्रल का हो, ठीक है,
लेकिन वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर गवर्नमेंट या फिर बैंक्स, ठीक है, इंटरेस्ट पेबल टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक, ठीक है, ये दोनों के दोनों को अगर आप, उसमें एक्चुअली एनबीएफसी नहीं था, है ना, मतलब प्राइवेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज नहीं थी, इसीलिए सिर्फ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, चाहे वो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का हो, है ना, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो उस पे आपका पेमेंट बेसिस पर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, ये चार हो गए, है ना। फिर है आपका लीव सैलरी, है ना, जो आप एम्प्लॉय को देते हैं, उसका भी डिडक्शन आपको पेमेंट बेसिस पर मिलेगा। फिफ्थ हो गया ये, सिक्स्थ हो गया, अगर आप प्रोविडेंट फंड का पेमेंट कर रहे हैं तो ये एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन का है, कि एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन का प्रोविडेंट फंड का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, तभी डिडक्शन मिलेगा। एंड लास्टली जो था, अमाउंट पेबल टू रेलवेज, ठीक है, ये आइटम्स जो थे, सेवन आइटम्स, ये पहले थे। अब 43B में एक क्लॉज BA इंसर्ट किया गया है, ठीक है, वो एनबीएफसी को भी इंक्लूड कर दिया है, पहले एनबीएफसी इंक्लूडेड नहीं थे, ठीक है। तो बोलता है कि अगर आप एनबीएफसी को भी इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, जैसे आपने महिंद्रा फाइनेंस से लोन लिया, तो महिंद्रा फाइनेंस को अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो आप पेमेंट कीजिए, तभी डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप बजाज फाइनेंस को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कीजिए, तभी आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। इज दिस क्लियर? बट यहाँ पर एक दो टर्म जुड़ा हुआ है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टर्म इज डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है, एनबीएफसी, यहाँ दो कैटेगरीज में है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गया इसका, एंड सेकेंड इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, बट दैट शुड बी सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, बट दैट शुड बी सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट, है ना। ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग मतलब समझ में आएगा, आइए डिस्कस कर ले। डिपॉजिट टेकिंग मतलब पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हैं, है ना, जैसे बैंक है, बैंक तो डिपॉजिट ले ही सकता है। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन जनरल डिपॉजिट लोगों से नहीं ले सकती, वो अपने पैसे को लोन के रूप में देगी, समझ रहे हैं, वो किसी से डिपॉजिट नहीं लेगी जनरल पब्लिक से, साथ ही साथ वो लोन लेकर के लोन दे सकती, लोन लेकर के लोन दे सकती, लेकिन अपने पैसे से लोन देगी, लोगों से डिपॉजिट इन जनरल नहीं ले सकती। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज को जिसको परमिशन मिला हुआ है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, वो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज को बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो एक ये कैटेगरी हो गई, प्लस दूसरी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, हम बोलेंगे बड़ी बड़ी एनबीएफसीज, है ना, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट मतलब छोटी नहीं, बड़ी बड़ी एनबीएफसीज जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, मतलब वो एनबीएफसीज जो डिपॉजिट टेकिंग है वो तो बड़ी है ही, उनपे तो बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है मॉनिटर करने के लिए, साथ ही साथ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट मेकिंग टेकिंग कंपनीज भी एनबीएफसीज हैं, उन पर भी यही रूल है कि भाई अगर आप उनको पे कर रहे हैं इंटरेस्ट तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा, विथ एन एक्सेप्शन कि जिस साल का इंटरेस्ट है उसके ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो डिडक्शन आपको जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज दिस सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, सिंपल सा चीज, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट मतलब बड़ी एनबीएफसी, तो कौन सी एनबीएफसी बड़ी होगी इवन इफ डिपॉजिट नहीं ले रही है तो भी? तो बोलते हैं जिस जो रूल है वो बोलते हैं आरबीआई का रूल, कि जिसका नेट एसेट, ठीक है, एक बार हम प्रोविजन भी पढ़ लेंगे, जिसका नेट एसेट एक्सीड करता है कितना, 500 करोड़, जिसका नेट एसेट क्या करे, एक्सीड करे 500 करोड़ की बैलेंस शीट डेट पर, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हो जाएगी। आइए हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट नंबर जी, हम पढ़ रहे हैं, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कंपनी मीन्स एनबीएफसी विच इज नॉट एक्सेप्टिंग और होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, तभी तो हो गया वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग, है ना, एंड हैविंग टोटल एसेट्स,
ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़ रुपीज, ठीक है, एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, है ना, एंड इज रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। बट ऑब्वियस आरबीआई से तो रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा, नहीं तो देखिए ऐसा नहीं कि सारे के सारे एनबीएफसी को आरबीआई से रजिस्टर्ड होना पड़ता है, या आप पढ़ेंगे ग्रुप टू में जब आप अकाउंट्स पढ़ेंगे ना तो आप इस चीज को डिस्कस किया जाता है वहां पर, क्योंकि एक एनबीएफसी बोल करके चैप्टर भी रहता है उधर, ठीक है, तो वो उधर आप पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा वहां पर। लेकिन हम लोग को इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या लगाना है, ध्यान रखना है दो ही चीज ध्यान रखना है, एक डिपॉजिट टेकिंग कंपनी और एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग बट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंपनी, इन दोनों को अगर हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन मिलेगा, ना कि अक्रूअल बेसिस पर, मतलब ये हमारा 43B में कवर्ड हो जाएगा। इज दिस क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, वापस आते हैं फिर। आप देखिएगा इन सब में हमने प्रोविजन लिख दिया है, जो प्रोविजन में अमेंडमेंट आया है ना उन सब प्रोविजन को वहां पर बेयर कॉपी करके नीचे रख दिया है, तो आप एक बार उसका रीडिंग लीजिएगा, है ना, और उसको मैं सिंपल से टर्म में आपको इधर समझा रहा हूँ, है ना, सिंपल टर्म में, सो दैट कि आप आराम से एग्जाम पर्पसेस के लिए इतना भी पढ़ेंगे तो दैट इज एनफ फॉर यू, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट हेड, मतलब अभी हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या क्या अमेंडमेंट्स देखे, एक तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हुआ, और एक चेंज हुआ है आपका क्या, एक चेंज हुआ है आपका एनबीएफसीज आ गया है 43B में, एक और है कैश बेसिस का सेक्शन 40A3 में चेंज, वो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे क्योंकि वो चेंज सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन का नहीं है, वो जहां जहां 40A3 एप्लीकेबल है ना, 40A3 मतलब याद है ना कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर का, वो जहां जहां एप्लीकेबल है वहां वहां वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग अलग से बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आइए अभी चलते हैं हम लोग कैपिटल गेन हेड में, क्या है कैपिटल गेन हेड में, कैपिटल गेन हेड में एक चेंज है, दैट इज सेक्शन 115QA इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 115QA, और वो सुपरसीड कर लेता है सेक्शन 46A को, वो सुपरसीड कर रहा है किसको, सेक्शन 46A को। नाउ व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन टू सेक्शन, दीज टू सेक्शंस, एक्चुअली सेक्शन 46A वाज ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ठीक है, कि भाई कोई कंपनी अपनी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को खरीदती है, ठीक है, तो उसको बायबैक बोलेंगे, और खरीद करके कैंसिल कर देती है, ठीक है, तो वहां पर क्या था कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को खरीदते समय जितना भी रुपया कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती थी वो सब का सब रुपया शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल रिसीट कहलाता था, उसमें कुछ भी डिविडेंड नहीं होता था, और साथ ही साथ कंपनी के लिए भी वो डिविडेंड नहीं होता था, जिसके चलते उसके ऊपर टैक्स कंपनी को 115O में CDT नहीं देना पड़ता था। आप अगर आप चाहेंगे डिविडेंड को रिवाइज करेंगे तो वहां पर बहुत क्लियरली बोल दिया था, दो केस में कैपिटल रिडक्शन नहीं माना जाएगा, पहला केस है आपका बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज और दूसरा है डी मर्जर ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो इन दोनों केसेस में आपका ये क्या बोलते हैं डिविडेंड नहीं माना जाता था, जिसके चलते जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी पैसा ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स में, उसमें कुछ अगर आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी तो वो डिविडेंड नहीं कहलाता था, है ना, और शेयर होल्डर के हाथ में वो पूरा का पूरा कैपिटल सम हो जाता था। इज दिस क्लियर? नाउ अब हमारा सेक्शन 46A पर थोड़ा सा चेंज आया, उसके लिए सबसे पहले क्या देखना होगा, सेक्शन 10 सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A देखना पड़ेगा। तो 1034A में क्या बोलता है, सेक्शन 10 आया एग्जेम्पशन होगा, एज पर सेक्शन 1034A कैपिटल गेन विच अराइजेस टू अ शेयर होल्डर ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, एग्जेम्प्ट हो गया, है ना, किस किस केस में, बायबैक ऑफ शेयर्स बाय एन अनलिस्टेड कंपनी, बायबैक ऑफ शेयर्स बाय ए लिस्टेड कंपनी, डेट यहाँ जुलाई 5, 2019 है, अगेन रिपीटिंग क्योंकि ये करंट प्रीवियस ईयर में फॉल कर रहा है, ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी अगर जुलाई 5, 2019 या उसके बाद बायबैक करती है, या अनलिस्टेड कंपनी कभी भी बायबैक उस केस में ये
आपका एग्जेम्प्ट है, किसके हाथ में, शेयर होल्डर्स के हाथ में, एज पर सेक्शन 1034A, कैपिटल गेन विच अराइजेस टू शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, और बायबैक इज बाय अनलिस्टेड कंपनी और बाय लिस्टेड कंपनी बट आफ्टर जुलाई 5, 2019, तो ये तो एग्जेम्प्ट हो गया शेयर होल्डर के हाथ में। पहले शेयर होल्डर के हाथ में बायबैक में कैपिटल गेन होता था, बट अब शेयर होल्डर के हाथ में ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है। क्यों है भाई पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड? आइए, उसका कारण है सेक्शन 115QA, ठीक है। क्या है ये 115QA? ये बोल रहा है आपको, आइए नीचे पढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 115QA, द कंपनी विच परचेजेज इट्स ओन शेयर इज लाइबल टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 20% प्लस सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स, ठीक है। मतलब क्या कि भाई कंपनी अगर अपना शेयर खरीदेगा, दिस इज नथिंग बट बायबैक, है ना, और अगर अपना शेयर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है, हम लोग बहुत पढ़े हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में, है ना, कि भाई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, बट क्योंकि ये डिविडेंड नहीं हो रहा है सेक्शन 222 में, इसलिए उसको यहाँ से कर लिया। अगर डिविडेंड होता तो 15% के हिसाब से आपको CDT देना पड़ता, 15% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, उसके हिसाब से कंपनी को CDT देना पड़ता, लेकिन वो CDT कंपनी को देना नहीं पड़ रहा था बायबैक में, इसलिए इसको 115O में कवर्ड नहीं किया, रादर कहाँ कवर्ड कर दिया, 115QA एक नया सेक्शन डाल दिया और यहाँ कवर्ड कर दिया। इज दिस क्लियर? कि अपना कोई भी कंपनी कोई भी शेयर्स खरीदता है तो उससे उसमें जो प्रिंसिपल दे रहा है उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है, कंपनी कंपनी पे करेगा। मान लीजिए कंपनी 10 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर का बाई बैक कर रहा है, कंपनी 10 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर का बाई बैक कर रहा है, और उसके बदले कंपनी लोगों को 25 लाख दे रहा है। कितने का शेयर है? 10 लाख। लोगों को दे कितना रहा है? 25 लाख। इसका मतलब कैन आई से दैट 10 लाख तो कैपिटल सम रिपे कर रहा है एंड रिमेनिंग 15 लाख रुपीज प्रॉफिट दे रहा है शेयर होल्डर्स को, ठीक है, क्योंकि 10 लाख रुपीज नॉमिनल वैल्यू का शेयर्स वो कितने में, ये नॉमिनल वैल्यू है, कितने में बाई बैक कर रहा है? बाई बैक कर रहा है 25 लाख में, तो 15 लाख एक्स्ट्रा दे रहा है, दैट मीन्स ये प्रॉफिट का दे रहा है, तो दिस 15 लाख इज सब्जेक्ट टू 20% का टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अंडर सेक्शन 115Q। Is this clear? That means whatever profit that has been distributed among the shareholders is subject to tax at the company's level only. इसका मतलब जब companies उसके ऊपर में tax दे दिया है तो क्या shareholder फिर से tax देंगे? नहीं, that is why they have inserted 1034A, जिसमें shareholder के हाथ में वो amount taxable नहीं है। बात समझ में आया? तो कंपनी क्योंकि उसके ऊपर 20% प्लस ये दे दिया तो शेयर होल्डर के हाथ में वो अमाउंट इज नॉट एट ऑल टैक्स, ठीक है। चलिए, तो ये था, इसका भी बेयर सेक्शन, बेयर पूरा का पूरा सेक्शन नीचे लिखा हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं इसको डाउनलोड करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सेक्शन 54 का बात करते हैं। याद है सेक्शन 54? हाँ, अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं और सॉरी बेचते हैं और बेचने से आपको किसी साल कोई कैपिटल गेन होता है तो वो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो सकता है अगर आप 1 साल पहले के अंदर और 2 साल बाद के अंदर कोई नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या फिर 3 साल बाद के अंदर कोई नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बना लेते हैं। तो इन दैट केस दैट वाज लिमिटेड टू 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, है ना, तो आप 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में कोई पंगा नहीं है। बट यहाँ क्या बोलता है कि अभी नया जो अमेंडमेंट आया 54 में, इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, मतलब आप बहुत बड़े एसएससी नहीं है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कैपिटल गेन नहीं हुआ है ना, अगर आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन 2 करोड़ एक्सीड नहीं करता है, दी एस एस सी कैन परचेज
टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज और कंस्ट्रक्ट टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज। हाउएवर दिस कंसेशन इज अवेलेबल ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। ठीक है, आप बोलेंगे ये भी तो पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, पढ़े हैं, डेफिनेटली पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन है तो इसी साल का अमेंडमेंट है ना। अगर आप पहले एक प्रॉपर्टी का ही पढ़ रखें तो आप उसको अपडेट कर लीजिए। अगर आपका इनकम दो, मतलब कैपिटल गेन, इनकम ही नहीं कैपिटल गेन, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़, एक्सक्यूज मी, 2 करोड़ एक्सीड नहीं करता है, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ एक्सीड, 2 करोड़ तक है, 1.5 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, 1 करोड़, 80 लाख रुपीज हो, कितना भी, 2 करोड़ एक्सीड नहीं करता है, देन यू हैव एन ऑप्शन कि आप कितना मकान खरीद सकते हैं, 2 मकान खरीद सकते हैं और उसका एग्जेम्पशन ले सकते हैं। अदरवाइज प्रोविजन तो सिर्फ एक मकान के खरीदने का है ना, लेकिन ये आपको एक्सेप्शन दिया हुआ है कि आप 2 मकान भी या तो खरीद सकते हैं या बना सकते हैं, है ना। प्रोवाइडेड इसमें कंडीशंस क्या क्या है, पहला कि आपका कैपिटल गेन जो है, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव नहीं, कैपिटल गेन आपका 2 करोड़ एक्सीड नहीं करना चाहिए, पहला। दूसरा क्या बोलता है कि भाई आपने जो भी मकान खरीदा है और बनाया है 2 मकान, उसका बेनिफिट आप आज ले लीजिए तो आपको एक ही बार जिंदगी में मिलेगा। मान लीजिए आपने 10 साल बाद फिर से कोई मकान बेचा और आपको फिर से 1.8 करोड़ का कैपिटल गेन होता है, तो क्या फिर दो मकान खरीद सकते हैं? नहीं, फिर भी फिर सिर्फ एक ही मकान खरीद करके आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। बट आपका ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप एक्सरसाइज पूरी जिंदगी में एक बार ही करेंगे, है ना। तो इन जनरल आप एक मकान खरीदिए और एग्जेम्पशन क्लेम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और वो फ्यूचर में भी कर सकते हैं, फिर और मकान बेचिए और नया मकान खरीद लीजिए, चलेगा। लेकिन 2 मकान का जो ऑप्शन है वो जिंदगी में एक ही बार होगा, एक बार से ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए, ये भी आपका चेंज था, अमेंडमेंट। अब देखते हैं रिटर्न ऑफ इनकम में, है ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वैसा कुछ नहीं है, बट वही जो हम लोगों का कैश पेमेंट से रिलेटेड है ना, वो होगा जिसको हम लोग एक साथ देख लेंगे, है ना। आए, क्या बोल रहा है यहाँ पर, रिटर्न ऑफ इनकम। पहले रिटर्न ऑफ इनकम जो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, ये सब सबको, या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन सबको जो फाइल करना होता था, 2,50,000 का जो थ्रेशोल्ड लिमिट था वो तो था, बट दैट वाज बिफोर गिविंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, जो भी 1038 और 10A, 10B, 10BA, ये था। ठीक है, और एंड बिफोर गिविंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U था, है ना। जैसे समझ लीजिए कि हम पुराने ही बात कर रहे हैं, अगर समझ लीजिए कि मेरा जो है, मेरा इनकम है, सैलरी है, मान लीजिए मेरा 4,50,000, ठीक है, एंड सैलरी, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन ये सब के बाद में, एंड देन फिर हम लेते हैं अदर इनकम, कुछ भी नहीं था, तो मेरा GTI है 4,50,000। तो इस ग्रॉस टोटल इनकम में हमको डिडक्शन मिल जाता है, मान लीजिए अंडर सेक्शन 80C का हम डिडक्शन ले लेते हैं पूरा 1,50,000। ठीक है, एंड डिडक्शन हम ले लेते हैं अंडर सेक्शन 80G भी ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए डिडक्शन का अमाउंट सिर्फ हम बना रहे हैं, ठीक है, ये है 60,000 का, तो मेरा नेट इनकम कितना हुआ, मेरा नेट इनकम हो गया 2,40,000 का। क्या मेरा टैक्स लाइबिलिटी 1 रुपया भी होगा? एक भी नहीं होगा, बिकॉज ऑल्दो माई ग्रॉस टोटल इनकम इज 4,50,000, बट नेट इनकम इज नॉट एक्सीडिंग 2,50,000, तो टैक्स लाइबिलिटी इज वट, नील। एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो एलिजिबल टू गेट रिबेट अंडर सेक्शन 87A, देर विल नॉट बी एनी टैक्स लाइबिलिटी। तो व्हाट आर दे स्टेटिंग एक्चुअली, क्या आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है? यू आर नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्स, यू आर नॉट लाइबल टू पे एनी
टैक्स, समझ रहे हैं? तो क्या आपको रिटर्न फाइल करना है? यस, बिफोर गिविंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U आपको चेक करना था, एंड दिस इज एक्सीडिंग 2,50,000, दिस इज एक्सीडिंग मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है? तो इसीलिए यू नीड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। ये तो पहले पढ़ ही चुके हैं, तो फिर क्या नया है? तो देखिए क्या क्या पहले पढ़ चुके हैं। पहले पढ़ चुके हैं 1038, 10A, 10BA, 10B, 10BA, ये सब सब पढ़ चुके हैं, है ना? साथ ही साथ और एक क्या पढ़ चुके हैं, और एक पढ़ चुके हैं कि भाई डिडक्शन अंडर सेक्शन, अंडर चैप्टर 6, दैट इज 6A, चैप्टर 6A में क्या डिडक्शन है? 80s का डिडक्शन, ठीक है? तो इन सब के पहले अगर आपका इनकम इज एक्सीडिंग रुपीज 2,50,000, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख, और अगर सुपर सीनियर है तो 5 लाख, है ना? और HUF पर 250 होता है, OPBY ये सब पर भी 250 है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का भी 250 है। तो अगर आपका इनकम इन सब डिडक्शंस के पहले अगर आपका एक्सीड नहीं करता है मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, तो इन दैट केस आपको रिटर्न फाइल करना नहीं है। लेकिन अगर एक्सीड करता है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इवन इफ आपका नेट इनकम बिलो। तो ये सब तो पढ़े, बट अभी इसमें क्या ऐड हो गया है? अब इसमें ऐड हो गया है आपका सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB। इन सब के एग्जेम्पशन के पहले भी आपको देखना है ना, कि क्या आपका इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स को एक्सीड कर रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? जैसे हमने क्या किया, एक मकान बेचा, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा, और उस पे मेरे को 30 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, 30 लाख का मेरे को कैपिटल गेन हुआ। उसका हम नया मकान खरीदे और 30 लाख का एग्जेम्पशन मिल गया, तो व्हाट इज माय नेट इनकम ऑन कैपिटल गेन? इट इज निल। 30 लाख का हमको कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उस 30 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करने के लिए हमने सेक्शन 54 का सहारा लिया और नया मकान खरीद लिया, और नया मकान खरीदने से मेरा कैपिटल गेन क्या हुआ? निल हो गया। मेरे को 54 का एग्जेम्पशन मिल गया, मेरा कैपिटल गेन 30 लाख का नया मकान खरीद लिए, निल हो गया। तो क्या होगा रिजल्ट? मेरा कैपिटल गेन निल है, कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगा। इज दिस क्लियर? नहीं आएगा, बढ़िया। क्या इनकम भी नहीं दिखेगा? ठीक है, मान लीजिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरा 1,80,000, और कैपिटल गेन नेट इसी का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, 30 लाख का मेरा कैपिटल गेन हुआ था, लेकिन हम नया मकान खरीद लिए, निल है, ठीक है? तो मेरा 1,80,000 रुपीज का क्या होगा? GTI होगा, है ना? 1,80,000 का GTI होगा। ये नेट कैसे हुआ? 30 माइनस 30 कर दिए, है ना? एग्जेम्पशन ले लिया हम 54 का। तो बोलता है नहीं, अब आपको क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि पहले का जो तो रूल था वो तो है ही, पर ये भी देखना है विदाउट गिविंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 कितना है। हम बोलेंगे मेरा इनकम है 31,80,000, विदाउट गिविंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 माई इनकम इज 31,80,000, तो नाउ आई एम लाइबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। इज दिस क्लियर? तो पहले जो था कि भाई अ पर्सन हुज टोटल इनकम विदाउट गिविंग एग्जेम्पशन, विदाउट गिविंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1038, 10A, 10B, 10BA, अब हो गया सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, GA, GB और डिडक्शन अंडर सेक्शन, सॉरी अंडर चैप्टर 6C, है ना? दैट इज अंडर सेक्शन 80C to 80U, एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो अगर ये एक्सीड हो जाता है तो यू आर लाइबल टू पे, लाइबल टू डिपॉजिट या योर रिटर्न ऑफ इनकम। बात समझ में आया? तो ये सब चीज जो टिक हमने किया है वो सब ऐड हो गया है, बाकी और सब सेम। क्लियर है? चलिए अब रिटर्न ऑफ इनकम में दूसरा सेक्शन 139 में क्या चेंज आया?
दूसरा सेक्शन 139 में चेंज आया है कि एज पर द सेवेंथ प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, रिटर्न ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इफ एनी ऑफ द कंडीशन गिवन बिलो इज सेटिस्फाइड, इवन इफ ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. से देयर माइट बी अ सिचुएशन वेयर योर इनकम इवन विदाउट गिविंग एग्जेम्पशन और डिडक्शन इज नॉट एक्सीडिंग रुपीज 2,50,000, है ना, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स. से योर इनकम इज रुपीज 2 लाख ओनली, है ना, योर इनकम इज विदाउट गिविंग एनी डिडक्शन इज 2 लाख. आर यू लाइबल टू फाइल एनी आर यू लाइबल टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम? नो, यू नीड नॉट रिक्वायर टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. बट यहाँ क्या बोलता है, इफ यू हैव डिपॉजिटेड रुपीज मोर देन रुपीज 1 करोड़ इन एग्रीगेट पूरे साल भर में, अगर आप किसी एक बैंकिंग कंपनी, मतलब आपका SBI में अकाउंट है, और कौन सा अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट है, अगर फंडा देखें तो SBI में आपका करेंट अकाउंट है, ठीक है, या अकाउंट्स है, ठीक है, SBI में 2 करेंट अकाउंट है, 3 करेंट अकाउंट है, तो अगर आपका किसी भी ब्रांच में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, SBI में अगर आपने अपने करेंट अकाउंट्स में डिपॉजिट कर दिया पूरे साल भर में मिला करके 1 करोड़ रुपया से ज्यादा, या फिर आपका किसी कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है या अकाउंट्स है, उसमें आपने अपने साल भर में 1 करोड़ रुपया से ज्यादा अगर आपने डिपॉजिट कर दिया, तो इन दैट केस आपका रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, चाहे आप मैक्सिमम अमाउंट एक्सीड कर रहे हो या नहीं कर रहे. इज दिस क्लियर? आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी. फिर अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं या किसी और का फॉरेन ट्रैवल का पैसा देते हैं, है ना, और वो कितना है, 2 लाख से ज्यादा, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है. और फिर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर 1 साल में 1 लाख से ज्यादा का करते हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है. पहले ये सब लिमिट थोड़ा कम था, हम क्यों बिना मतलब उन सब लिमिट्स में फंसे, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, हम सिर्फ इन सब लिमिट्स को ही ध्यान कि हमने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा क्या किया, डिपॉजिट कर दिया. अगर हम एक ही बैंक में 2 या 2 से ज्यादा करंट अकाउंट्स रखें, तो उसमें हमने सभी अकाउंट्स को मिला करके 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट किया, या फिर हम खुद या किसी और के फॉरेन ट्रैवल के लिए 2 लाख से ज्यादा का एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, और साथ ही साथ हमारा अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है उस वो 1 लाख रुपए से ज्यादा आया है ना, 1 साल में, तो हमको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, चाहे मेरा इनकम एक्सीड ना हो मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, तो भी हमको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है. इज दिस क्लियर? अब इसके साथ साथ एक और चीज जुड़ा है, अगर और कोई कंडीशन कोई प्रेस्क्राइब करता है गवर्नमेंट, तो भी हमको रिटर्न फाइल करना होगा. मतलब इट इज वाइड ओपन, मतलब फ्यूचर में भी इसमें आराम से और अमेंडमेंट्स आ सकते हैं. इज दिस क्लियर? तो ये सब है, अगर आपका इनकम नहीं भी एक्सीड कर रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट को, तो भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है. इज दिस क्लियर? चल अब हम आगे बढ़ते हैं पैन के बारे में. अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है. पैन के बारे में बात करते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर और TDS के बारे में बात करते हैं, ठीक है. परमानेंट अकाउंट नंबर क्या होता है आपको पता ही है, ये 10 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि इसको आपको किसके साथ अटैच कर लेना है, किसके साथ ये किसके साथ आपको हमेशा जोड़ करके चलना है, अपने आधार के साथ. इज दिस क्लियर? आधार आधार आपको पता ही है, ठीक है. तो अगर आप परमानेंट अकाउंट नंबर है आपका, मतलब इनकम टैक्स के आप SSC हैं, या फिर इनकम टैक्स में किसी भी तरीके से आपने पैन लेकर के रखा है, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना आधार नंबर भी देना, आधार भी फर्निश करना होगा. इनकम टैक्स कोशिश कर रहा है आधार और पैन दोनों को एक साथ सिंक्रोनाइज करके रखे, सो दैट कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का पूरा डेटा वो अपने कंट्रोल में रख सके. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आधार और पैन को दोनों को एक साथ जोड़ करके चलता है. अभी यहाँ पर क्या अमेंडमेंट आ गया, ठीक है, जो कि भाई
बहुत सारे लोगों को जरूरत है कि उनको पैन लेना है, लेकिन पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर लेना है, लेकिन वो अगर परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं लिए, ठीक है, तो उस केस में तो उनको लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ जहां जहां गवर्नमेंट बोलता है वहां वहां पैन कोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक अलग सा प्रोविजन आ गया, क्या बोलता है कि अगर 139(5)(e) में बोलता है, जो नया इंट्रोडक्शन है रीड विथ रूल 114(1)(a), है कि भाई हर एक आदमी जिसको किसी भी तरह का कुछ भी डिटेल फर्निश करना है या इनकम टैक्स को कुछ बताना है, ठीक है, कोई भी डिटेल ये सब फर्निश करना है, इनकम टैक्स को बताना है, उसको तो कोट करना ही पड़ेगा पैन, है ना, कोट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसके पास पैन नहीं है, हु हैज नॉट बीन अलॉटेड पैन, अगर उसके पास पैन नहीं है, ठीक है, और लेकिन उसके पास पैन नहीं है, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैन बताना है, किसी किसी जगह पर पैन बताना कंपलसरी है, अगर आपके पास पैन है ही नहीं तो आप कैसे बताएंगे? तो बोलता है आपके पास आधार तो है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप आधार नंबर पैन के जगह कोट कर दीजिए, इन लियू ऑफ पैन क्या कर दीजिए, आप अपना आधार नंबर कोट कर दीजिए, ठीक है, इज दिस क्लियर? अगर कोई भी आदमी पैन के जगह पर आधार कोट करता है, आधार नंबर कोट करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको अपने से खुद से पैन अलॉट कर देगा, बात समझ रहे हैं? एंड सच पर्सन वुड बी अलॉटेड अ पैन इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो यू कैन नॉट लाइक से, और यू हैव यू कैन नॉट लाइक डिनाई एक्चुअली कि भाई हमारे पास पैन ही नहीं है, हाउ कैन आई गिव पैन टू द डिपार्टमेंट, इन दैट केस यू हैव टू गिव आधार नंबर टू द डिपार्टमेंट इन लियू ऑफ पैन, एंड वंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गेट्स आधार नंबर इन लियू ऑफ पैन, will definitely conclude that the person does not have PAN. In that case, income tax department would allot PAN to him automatically. ठीक है, तो ये एक पावर दे दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप पैन अलॉट कर दीजिए। इसके साथ साथ ये तो 1A था रूल 114 का। अब 1B अगर चलते हैं, वो क्या बोल रहा है कि भाई who has not been allotted PAN but possess आधार may apply for allotment of PAN अंडर से, मतलब कोई भी जनरल सेक्शन 139(1)(1)(a)(3) बाय इंटीमेटिंग इज आधार नंबर एंड ही शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई और सबमिट एनी डॉक्यूमेंट अंडर रूल 114। मतलब क्या है कि भाई देखिए, आपको क्या क्या देना रहता है, आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना रहता है, आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना रहता है, यही तो दो डॉक्यूमेंट आधार के लिए देना रहता है, बोलता और कुछ देने का जरूरत नहीं बाबा, सॉरी पैन के लिए देना रहता है, सॉरी पैन के लिए देना रहता है, परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए। जब आप आधार सबमिट कर रहे हैं तो आधार इज एक्चुअली अ फुल एंड फाइनल प्रूफ, तो इन दैट केस जब आप आधार सबमिट कर देंगे तो यू नीड नॉट रिक्वायर टू फाइल एनी अदर डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड बाय रूल 114A। आपको कोई आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ ये सब देने का जरूरत नहीं है, आपको क्या होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर ऐसे ही अलॉट कर दिया जाए, ठीक है। तो जब आपको परमानेंट अकाउंट नंबर का एप्लीकेशन करना है तो आप एप्लीकेशन कीजिए विथ आधार, तो आपको और कोई डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं है, आधार इज फुल एंड फाइनल प्रूफ, इज दिस क्लियर? तो यही आपका अमेंडमेंट है यहाँ पर, इज दिस क्लियर? चलिए देन द लास्ट वन, ठीक है, TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो कुछ एक सेक्शंस इंट्रोड्यूस हुआ है TDS में, है ना, और कुछ एक में थोड़ा सा चेंजेस आया है। सबसे पहला क्या है, 194DA, 194DA पहले भी था, 194DA एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर में है कि अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जिसमें आप प्रीमियम का अमाउंट 10% से ज्यादा पेमेंट करते हैं, और पुराना पॉलिसी है तो 20% से ज्यादा पेमेंट करते हैं, तो इन दैट केस आपका डिडक्टेबल अमाउंट कितना होगा? डिडक्टेबल अमाउंट तो आपका सिर्फ 10% या 20% एज द केस में भी होगा डिडक्टेबल अमाउंट। लेकिन यहाँ क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हैं, ठीक है, डीए जो है वो बोलता था कि अगर कोई भी ऐसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पहले डीए को देख लीजिए, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हैं, अगर आप रेट्स को अच्छे से नहीं किए हैं पहले, कि
कि भाई किसके ऊपर कितना रेट्स है, कैसे टीडीएस किया जाता है, टीडीएस का रेट, और साथ ही साथ उसके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर वो आपका क्लियर नहीं है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाइए जा करके इस साल के अमेंडमेंट प्लेलिस्ट में, मेरा टीडीएस के रेट्स के ऊपर में दो वीडियोस है, आप उसको जा करके देखिए अच्छे से, तो आपका क्लियर भी हो जाएगा और वो कंप्लीट है और वो अमेंडेड भी है इस असेसमेंट ईयर के लिए। ठीक है, खैर हम वापस आते हैं 194 DA में। क्या था ये रूल? बोलता है जो जिसमें जिसमें भी जिस जिस तरह के पॉलिसी में अगर आप 10% से ज़्यादा या 20% से ज़्यादा अगर प्रीमियम पेमेंट करते हैं, तो वो सब पॉलिसी का जब पैसा आपको मिलेगा, है ना, उन सब पॉलिसी का मेच्योरिटी में जब पैसा आपको मिलेगा, तो उस पैसे के ऊपर 1% का टीडीएस होगा, ऐसा पुराना रूल था। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं कि अगर आपने कोई भी ऐसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है जिसमें आपका प्रीमियम अमाउंट इज एक्सीडिंग 10% ऑफ सम एश्योर और 20% ऑफ सम एश्योर एज द केस में भी, तो दैट प्रीमियम इज डिडक्टेबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ 20% अंडर सेक्शन 80C फर्स्ट। सेकेंड, दैट पॉलिसी इज नॉट एग्जेम्प्टेड एक्चुअली अंडर सेक्शन 10(10D). ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी शैल बी टैक्सेबल, है ना, एंड इन दैट केस द पेयर इज रिक्वायर्ड, टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1% ऑन द इंटायर अमाउंट। अगर आप मान लीजिए 1 करोड़ का पॉलिसी लिए और आप प्रीमियम का पेमेंट करते हैं 15 लाख रुपया, ठीक है, 15 लाख रुपया इस नया पॉलिसी है, आपने 1/4/2012 या उसके बाद लिया है, इस पर हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यू नो हम लोग 80s में बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं, हम लोग क्या सभी कोई पढ़े होंगे, है ना, तो आपका ये नया पॉलिसी है, तो आपको 10% तक प्रीमियम देना था, लेकिन आपने 15% दे दिया, 1 करोड़ के पॉलिसी में 15 लाख रुपया का प्रीमियम दिया, तो इन दैट केस ये डिडक्टेबल तो सिर्फ प्रीमियम 10 लाख रुपया के हिसाब से ही होगा, वट एवर इट इज, लेकिन उसके साथ साथ और क्या है, उसके साथ साथ एक और प्रोविजन है, क्या प्रोविजन है वो, कि वो जो अमाउंट है जो डिडक्टेबल होगा आपका, उसके साथ साथ है जब पैसा आपको मिलेगा ना, तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, और कैसे टैक्सेबल होगा क्या होगा ये अलग बात है, बट जो भी इंश्योरेंस कंपनी उसका पेमेंट करेगा, इंश्योरेंस कंपनी शैल डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1% ऑन द इंटायर 1 करोड़ रुपया। मान लीजिए 1 करोड़ मिले तो पूरा 1 करोड़ रुपया पर टीडीएस हो जाएगा 1%। लेकिन अब क्या अमेंडमेंट आया है, अगर आपको पैसा मिलता है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी पे करता है 1/9/2019 के बाद, ठीक है, कोई भी पेमेंट करता है ऑन और आफ्टर 1/9/2019, तो टीडीएस 5% होगा और जो अमाउंट होगा वो इनकम पर 5% होगा। मान लीजिए आप 15 लाख रुपया करके 5 बार पेमेंट करते हैं, ठीक है, 75 लाख रुपीज का आप प्रीमियम पे करते हैं, ये कैसा पॉलिसी है, ये पॉलिसी है कि भाई आप क्या कीजिए, 15 15 लाख रुपया करके 4 बार प्रीमियम पे, 5 बार प्रीमियम पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर डेथ हो जाता है या मेच्योरिटी होता है तो हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, हम एकदम सिंपल बना रहे हैं, हम कोई इंश्योरेंस का स्लैब यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिसी कितने का है, पॉलिसी चार्जर, एक्सक्यूज मी, पॉलिसी कितने का है, 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का है पॉलिसी, 1 करोड़ का है, तो इन दैट केस पहले अगर इसके पहले आपको मिलता तो 1 करोड़ रुपीज पर 1% का टीडीएस होता, लेकिन अगर 1/9/2019 के बाद अगर आपको मिल रहा है तो टीडीएस आपका कितना होगा, टीडीएस 5% होगा ऑन ऑन व्हाट, 100 लाख माइनस 17 लाख, 25 लाख, तो 25 लाख पर 5%, 1,25,000 का आपका टीडीएस हो, इज दिस क्या, टीडीएस आपका 1,25,000, बात समझ में आया, तो 12,50,000 का दिया, सॉरी 1,25,000 ही होगा।
बात समझ में आया? ठीक है, तो ये डिफरेंस है। पहले होता तो 1 करोड़ पर 1% होता, तो 1 लाख रुपीज होता, बट अब नहीं, अब इनकम पर 5%, ये फर्क है। समझ में आया? चलिए एक सेकंड। चलिए तो आपका अब ये रूल चेंज हो गया, 5% ऑफ इनकम होगा, पहले क्या था 1% ऑफ सम इश्योर। चलिए मतलब 1% ऑफ द टोटल अमाउंट जो पे होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग का नेक्स्ट अमेंडमेंट है 194 आई में। ठीक है, ये एक्चुअली रेंट के ऊपर था। किस पर? रेंट। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं और रेंट भी आपका क्या है, आप या तो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है ना, तो रेंट किसी को पे कर रहे हैं, तो पहले आपका 1,80,000 पर रेंट पर टीडीएस होता था, अब वो थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ करके कितना हो गया है, 2,40,000। तो अगर आप किसी को 2,40,000 से ज्यादा का रेंट पेमेंट करते हैं, तो आपको उसके ऊपर टैक्स काटना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं जिसका ग्रॉस रिसीट या फिर सेल्स टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ रुपीज से, अगर आप प्रोफेशनल है तो आपका अगर ग्रॉस रिसीट एक्सीड कर जाता है 50 लाख से, तो भी आप टीडीएस करेंगे 194 आई में। अगर आप रेंट का पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 2,40,000 से ज्यादा करते हैं, ठीक है, आपका रेंट एक्सपेंस इतना से ज्यादा हो, तो क्लियर है? पहले क्या था ये 1,80,000 था। अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेक्शन 194M और सेक्शन 194N, ये दो नया प्रोविजंस ऐड हुआ है। क्या क्या बोलता है ये, आइए पहले एम में देखते हैं। एम में यहां पर बोलता है कि अभी अगर कोई इंडिविजुअल, ठीक है, कोई इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, जो कि और किसी भी सेक्शन में टीडीएस नहीं करता है, ठीक है, क्यों नहीं करेगा भाई? टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पर तो 194C लगता है, सेक्शन 194C, कमीशन, ब्रोकरेज, ये सब सब पेमेंट करते हैं, या फिर इवन इफ आप प्रोफेशनल चार्जेस का पेमेंट करते हैं, ठीक है, मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ये इसमें प्रोफेशनल फी भी आना चाहिए, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर जैसे 194J में आप प्रोफेशनल फी का पेमेंट करते हैं, ठीक है, अगर आप इन सब सेक्शंस में जाएंगे तो तभी इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस करना पड़ता है, तभी इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस करना पड़ता है जब उनका टर्नओवर इज एक्सीडिंग ईदर 1 करोड़ और 50 लाख, एज द केस में भी है ना, इंडिविजुअल और एचयूएफ को, उन सब में 194C में, जे में, है ना। तो यहां पर क्या बोलता है कि भाई अगर आपका आप किसी और सेक्शन में आपका टीडीएस का लाइबिलिटी नहीं हो रहा है, दैट मींस आपका इनकम इज नॉट एक्सीडिंग कितना रुपया, इनकम बोल रहे सॉरी, टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, और या फिर आपका ग्रॉस रिसीट इफ यू आर अ प्रोफेशनल इज नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, तो आपका क्या है, आपको टीडीएस उन सब सेक्शंस में नहीं काटना है। लेकिन यहां पर बोल दिया, उसको भी इंक्लूड कर दिया कि भाई इंडिविजुअल और एचईएफ जिनको ऑडिट ये सब कराने का कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो जिनका टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है वो अमाउंट से, लेकिन फिर भी उनको टीडीएस करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? अगर वो इन लोगों को पेमेंट करते हैं कितना रुपया, 50 लाख रुपया से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, किसी कॉन्ट्रैक्टर को, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, है ना, और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और घर के लिए मतलब पर्सनल पर्पसेस के लिए आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और आप एक कॉन्ट्रैक्टर को रखते हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर को एक साल में 70 लाख रुपए का पेमेंट करते हैं, है ना, तो ये पर्सनल काम के लिए इस पे टीडीएस क्यों होना चाहिए? बोलता है नहीं, यू हैव टू मेक टैक्स डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड दैट इज एट द रेट ऑफ 5% on such payment, ठीक है, और ये कब से आया है? That is from 1/9/2019, ये आपका amendment आया है। तो आप बोलेंगे, अरे पहले अगर हम समझ लीजिए payment कर दिए हैं 30 लाख रुपए का, ठीक है, आपका मान लीजिए 31 August 2019 तक payment कर दिए हैं हम 30 लाख का, है ना, तो पहले तो deduct नहीं किए थे, और अब हम उसके बाद में after
हम पेमेंट किए हैं मान लीजिए 60 लाख का, तो टोटल मिलाकर के 90 लाख का पेमेंट हुआ ना, ठीक है। तो आपका जो पेमेंट है वो 90 लाख का हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, आप 5% पेमेंट एक्सीड कर रहा है ना, ठीक है, 50 लाख से, तो जितना 50 लाख से ज्यादा होगा, ठीक है, 50 लाख से ज्यादा कितना हो रहा है, 40 लाख, तो यू नीड टू डिडक्ट टैक्स ऑन 40 लाख एट द रेट ऑफ 5%। इज दिस क्लियर? तो आपका सच पेमेंट दैट इज एक्सीडिंग ₹50 लाख। यहाँ पर एक और छोटा सा कंफ्यूजन आ सकता है जिसका क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने दे दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है, से अगर आपने 31/8/2019 तक अगर आपने मान लीजिए 70 लाख का पेमेंट कर दिया है, ठीक है, 31/8/2019 तक, तब तो ये टीडीएस का प्रोविजन ही नहीं था, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया, तो अब क्या, अब अगर आप और कुछ पेमेंट करेंगे तो क्या उस पर टीडीएस करेंगे? आफ्टर दैट यू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹10 लाख ओनली। तो क्या इस दो क्वेश्चन में क्या इस 10 लाख पर टीडीएस करेंगे? यस, बिकॉज आपका जो पेमेंट है दैट हैज बीन एक्सीडेड 50 लाख इन अ प्रीवियस ईयर, तो आपको टीडीएस करना है। बट सवाल एक तो क्लियर हो गया, क्या इस 70 लाख पर भी टीडीएस करना है? बोलता नहीं, जो आप 1/9/2019 के पहले पेमेंट कर चुके हैं उन सब पर आपको टीडीएस करने का जरूरत नहीं है, उसके बाद के ही सिर्फ पेमेंट्स पर आपको टीडीएस करना है, प्रोवाइडेड योर अमाउंट एक्सीड्स 50 लाख। तो आपका तो पहले ही हो गया था, बट उस समय तो टीडीएस का प्रोविजन नहीं था, इसीलिए उस समय आपको टैक्स डिडक्ट नहीं करना है। इज दिस क्लियर? आपको सिर्फ 10 लाख पर करना है, और 10 लाख पर ही सिर्फ 5%। इज दिस क्लियर? और यहाँ पर आपको 40 लाख पर करना है और 40 लाख पर 5%। बात समझ में आया? 194M ये नया है। बात करते हैं सेक्शन 194N का, है ना, लास्ट प्रोविजन है ये। तो सेक्शन 194N क्या बोलता है? बोलता है कि अगर आपने एक साल में कैश विड्रॉ किए, किधर से कैश विड्रॉ, ऐसे भी देखे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है कैश ट्रांजेक्शंस पर, तो एक साल के अंदर अगर आपने पैसे विड्रॉ किए हैं कैश में, या तो किसी बैंक से, बैंकिंग कंपनी से, कोऑपरेटिव बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरिंग इन बैंकिंग बिजनेस, उससे, या पोस्ट ऑफिस से, अगर आपने विड्रॉ किए हैं, चाहे एक अकाउंट हो चाहे एक से ज्यादा अकाउंट हो, अगर आपने पैसे विड्रॉ किए हैं कैश में, कितना रुपया, ओवर ₹1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा किसी भी एक साल में विड्रॉ किए हैं, तो इन दैट केस आपको, अगर आपने पैसे विड्रॉ किए हैं तो आपका उस 1 करोड़ से ऊपर जितना पैसा आप विड्रॉ किए उसके ऊपर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस डिडक्ट कर देगा कितना, टीडीएस 2% ऑफ सम एक्सीडिंग, नो नो, ₹1 करोड़, सम एक्सीडिंग ₹1 करोड़। तो 1 करोड़ से ज्यादा अगर आप कभी भी निकालेंगे, जैसे 1 करोड़ 10 लाख रुपया निकाले, तो जो 1 करोड़ से ज्यादा हुआ 10 लाख रुपया, उस 10 लाख रुपया के ऊपर में आपका 2% का टीडीएस आएगा, पहला बात। दूसरा बात क्या है कि ये कब से एप्लीकेबल है? अगेन, 1 सितंबर 2019 से एप्लीकेबल है। तो 1 सितंबर 2019 के पहले भी तो आपने, हो सकता है कि कुछ पैसा विड्रॉ किया होगा, क्या उस पर भी टीडीएस होगा? नहीं। 31 अगस्त 2019 तक आप कितना भी पैसा विड्रॉ कर लीजिए, उस पर बैंक टीडीएस नहीं करेगा। एंड विड्रॉवल इज नथिंग बट कैश विड्रॉवल है। तो अगर आप 1 सितंबर 2019 ऑनवर्ड्स कैश विड्रॉ करते हैं अपने बैंक से, तो जितना विड्रॉ करेंगे उस पर 2% आएगा। यहाँ एक दो चीज याद कर ध्यान देते हैं, जैसे से फर्स्ट एग्जाम्पल में अप टू 31/8/2019 तक आपने से 60 लाख रुपीज विड्रॉ किए, रुपीज लाख में 60 लाख रुपीज विड्रॉ किए, और अप टू 31/3/2020 इस पीरियड के बीच में आप मान लीजिए 50 लाख विड्रॉ करते हैं, तो टोटल साल भर में आपने 1 करोड़ 10 लाख विड्रॉ किया है, तो इन दैट केस 10 लाख के ऊपर में आपका 2% टीडीएस आएगा। बात समझ में आया कि 1 करोड़ से ज्यादा जितना होगा उस पर टीडीएस आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं,
सेकेंड एग्जाम्पल में मान लीजिए आपने 1 करोड़ 10 लाख रुपीज 31 अगस्त तक ही विड्रॉ कर लिया, 1 करोड़ 10 लाख रुपीज 31 अगस्त तक ही विड्रॉ कर लिया, तो इन दैट केस अब 31 अगस्त तक जो पैसा विड्रॉ किया है उसके ऊपर तो कोई भी टीडीएस नहीं होगा, क्योंकि उस समय तो वो रूल ही नहीं था। अब इसके बाद आपने सिर्फ 5 लाख रुपीज विड्रॉ किया है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर चेकिंग 1 करोड़ आपको टोटल पूरे साल भर का, पूरे ईयर का ड्रॉइंग्स देखना पड़ेगा। तो विड्रॉल 1 करोड़ 15 लाख है, टीडीएस होगा, है ना, लेकिन किस पर? 1 करोड़ से ज्यादा जितना हो रहा है उस पर ही सिर्फ होगा। दिस इज 5 लाख पर कितना परसेंट? 2%। बात समझ में आ रहा है? मतलब पुराने वाले को कंसिडर तो जरूर करेंगे हम लोग टीडीएस का टोटल अमाउंट निकालने के लिए, बट डिडक्शन जो करेंगे वो 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। साथ ही साथ वो ड्रॉइंग 1 सितंबर 2019 या उस बाद होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? ये दोनों चीज हम लोग को ध्यान रखना है, और ये एक अकाउंट का नहीं है, वन और मोर अकाउंट्स है ना। अगर आपके आप 3-4 अकाउंट्स है तो सब अकाउंट का मिला करके, हाँ कोऑपरेटिव में कोऑपरेटिव का ही अकाउंट देखेंगे, कोऑपरेटिव में उसका, बैंक में ही जो अकाउंट है वो देखेंगे। ऐसा नहीं कि कोऑपरेटिव से निकाला है 70 लाख रुपया और 40 लाख रुपया निकाला है बैंक से तो दोनों को मिला के करेंगे, नहीं नहीं बैंक अपना अलग देखेगा, कोऑपरेटिव अलग देखेगा, पोस्ट ऑफिस अलग देखेगा। बात समझ रहे हैं? तो ये था आपका सेक्शन 194N, ये भी नया अमेंडमेंट है, 194M ये भी नया अमेंडमेंट है। इसमें सिर्फ इंक्रीज हुआ है अमाउंट, और इसमें रेट चेंज हुआ है, और कैलकुलेशन का तरीका चेंज हुआ है। इज दिस क्लियर? अब इसके साथ साथ एक और चीज हम लोग देखने का कोशिश करते हैं जिसको हम बोलते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट। चलिए पीछे देखते हैं, यहाँ एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक है, मतलब क्या है इसका? एसएससी इन डिफॉल्ट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको कोई काम दिया, उस काम को आपने पूरा नहीं किया तो बोला जाएगा कि आपने गलती की, आप जो है आप एसएससी इन डिफॉल्ट है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीडीएस करने बोला, टैक्स डिडक्ट करने बोला, ठीक है, आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, ठीक है, डिपार्टमेंट बोला टीडीएस करो, आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया और डिपॉजिट भी नहीं किया, तो उस केस में आपने गलती की, यू आर एन एसएससी इन डिफॉल्ट, ठीक है, या फिर आपको टीडीएस काटने बोला, आपने डिडक्ट किया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, स्टिल यू आर एन एसएससी इन डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें एक प्रोविजन था कि भाई आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में एज वेल एज टीडीएस का पीनल प्रोविजन के केस में एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन में सेक्शन 40A था और उसमें क्लॉज 1 था, और साथ ही साथ सेक्शन 40A क्लॉज 1A, ये दोनों के दोनों केसेस में क्या था, टीडीएस आपको करना था, और बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर आप टैक्स काट करके जमा नहीं कराते तो भी एक्सपेंस डिडक्टेबल नहीं होगा, या फिर आप काटते ही नहीं और जमा भी नहीं कराते तो भी एक्सपेंसेस डिडक्टेबल नहीं होगा, ठीक है, और आपको एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा। अभी क्या है, आपको रिलैक्सेशन मिलता था, आप ये तो ये किस पर है, मान लीजिए कि आपका दो प्रोविजंस था, एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट। मतलब अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो हमेशा टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होता था, और वो एप्लीकेबल होता था सेक्शन 40A1 में, ठीक है, और इस पर होता था सेक्शन 40A1A में। ये अगर आप किसी रेसिडेंट्स को पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें से टैक्स काट करके जमा कराना होगा, अगर आप टैक्स काट करके जमा नहीं कराते हैं या काट लेते हैं लेकिन जमा नहीं कराते हैं तो 30% ऑफ एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाता था। और भाई अगर आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते थे, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं कि वो थोड़ा सा आपके दिमाग में आ जाए,
कि अगर आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते थे और अगर आपने टैक्स नहीं काटा है और काटा है तो जमा नहीं कराया है, तो पूरा 100% आपका एक्सपेंस जो होता था वो डिसअलाउ हो जाता था। ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। इसमें एक प्रोविजन था कि उस एसएससी को इन डिफॉल्ट नहीं माना जाता। किस एसएससी को? अगर वो रेसिडेंट किसको पेमेंट कर रहा है, किसी भी रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है, उसमें से उसको टैक्स काटना था, उसने नहीं काटा, ठीक है, डिडक्ट नहीं किया और साथ ही साथ डिपॉजिट भी नहीं किया, बस डिडक्ट ही नहीं किया तो डिपॉजिट क्या करेगा, ठीक है। तो इसमें एक एक्सेप्शन था कि उस एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे उस एसएससी को एसएससी इन डिफॉल्ट? तब जब ये प्रूव कर दिया जाए कि ये कौन है, ये तो डिडक्टर था, इस डिडक्टर के ऊपर कलंक लग गया। क्या कलंक लगा? ये एसएससी इन डिफॉल्ट हो गया। क्यों बोला इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? क्योंकि इसके चलते टैक्स नहीं कटा, टैक्स नहीं कटा और डिपॉजिट भी नहीं हुआ। जैसे हम आपको कुछ पेमेंट कर रहे हैं, हम आपको मान लीजिए प्रोफेशनल फी दे रहे हैं, अगर हम आपको प्रोफेशनल फी दे रहे हैं, मान लीजिए 2 लाख रुपए का प्रोफेशनल फी दे रहे हैं, तो उसके ऊपर हमको टैक्स काटना चाहिए। अगर हमने आपका उसके ऊपर टैक्स नहीं काटा तो इन दैट केस हम एसएससी इन डिफॉल्ट हो गए। बट अब क्या है, ये आपको पूरा का पूरा 2 लाख रुपया मिल गया। अब आप इस 2 लाख रुपया को अपना इनकम बोलेंगे और अपना इनकम बोल करके अपने इनकम में इंक्लूड करेंगे और उसके बाद फिर उस पर टैक्स देंगे, इजेंट इट? और साथ ही साथ गवर्नमेंट को आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम भी सबमिट कर देंगे। आप मतलब कौन? डिडक्टिव, डिडक्टिव या पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपने रिटर्न, आपने उस पर उसको अपने जीटीआई में ले लिया, या बेटर से टोटल इनकम में ले लिया, आपने उसके ऊपर टैक्स दे दिया और आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक है। तो उस केस में इस डिडक्टर ने जो गलती की थी, जिसके चलते गवर्नमेंट का टैक्स का रिस्क बढ़ गया था, हो सकता था डिडक्टिव मतलब हम आपको 2 लाख रुपया पेमेंट किए और आप भाग गए, आपने टैक्स पेमेंट ही नहीं किया तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा, लेकिन डिडक्टिव मतलब आप तो बहुत ईमानदार, आपने इनकम में अपना इंक्लूड किया, उसको टैक्स भी पेमेंट किया और रिटर्न भी फाइल कर दिया। तो जब ये कर दिया आपने, तो इन दैट केस गवर्नमेंट को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर ये डिडक्टिव कर दिया तो इन दैट केस डिडक्टर को एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड सम कंडीशंस आर फुलफिल। तो ये था एसएससी इन डिफॉल्ट से एक्सेप्शन, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट्स के पेमेंट पर एप्लीकेबल था। अब ये क्या हो चुका है, सारे पेमेंट्स पर जिस पर टीडीएस का प्रोविजन लगता है, उन सब के सब पेमेंट्स पर ये एप्लीकेबल हो गया। इसका मतलब अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को भी पेमेंट करते हैं, और ये तो रेसिडेंट पर था, अब नॉन रेसिडेंट पर भी आ गया, मतलब आप किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर दिए इंडिया के बाहर और उसके बाद में फिर उसमें से टैक्स गलती से नहीं काटे और जमा भी नहीं, ठीक है, लेकिन उस नॉन रेसिडेंट ने उसके ऊपर इनकम टैक्स अपने तरफ से उसको इनकम में इंक्लूड करके जमा भी कर दिया और रिटर्न भी फाइल कर दिया, तो इन दैट केस अगर आप ये चीज प्रूव कर देते हैं, डिडक्टर अगर ये चीज प्रूव कर देता है विद दी डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेट, जो 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 वहां जरूरत है चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट एंड ऑल, ठीक है, वो आप एक बार फिर से पढ़िएगा। तो हम लोगों को अमेंडमेंट में क्या आया है कि भाई आप एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि आपने क्या किया, नॉन रेसिडेंट को जो पेमेंट किया था, नॉन रेसिडेंट ने उसके ऊपर टैक्स दे दिया, रिटर्न भी फाइल कर दिया, गवर्नमेंट को वो सब इंफॉर्मेशन मिल चुका है, तो चाहे रेसिडेंट पर हो चाहे नॉन रेसिडेंट पर, आप बच सकते हैं, मतलब डिडक्टर को एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाए, ठीक है। तो ये छोटा सा चेंज है आपका इसमें, जो कि किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये सब के सब पर एप्लीकेबल होता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, दूसरा एक और चलते हैं अमेंडमेंट को ही लेकर के, दैट इज हम लोगों का कैपिटल गेन हेड में है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, कि सीआईआई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपके प्रीवियस ईयर 2019-20 का कितना होगा, 289, है ना, ये सीआईआई होगा आपका 289।
इज दिस क्लियर? ठीक है, फिर ये कैपिटल गेन हेड से रिलेटेड है। ओके, फिर अगर हम बात करें एक और प्रोविजन को, छोटा सा हम लोग देख लेते हैं क्या, कि भाई आपने देखा होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इसके अलावा कुछ कुछ 80s के डिडक्शंस में, जहां जहां पर भी आपको कैश पेमेंट करने से मना करता है। ठीक है, आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हैं 10,000 से ऊपर, है कि नहीं? आप कोई भी एक्सपेंस है जो 10,000 से ऊपर का है तो आप उसका पेमेंट कैश में नहीं कर सकते। आप किससे किससे कर सकते हैं? आप अकाउंट पे ही चेक से कर सकते हैं, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं, है ना? ये तो एक ही चीज है लगभग लगभग। ठीक है, आजकल तो DD उतना चलता भी नहीं है, खैर लेवे, तो अकाउंट पे ही चेक से कर सकते हैं, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसका पेमेंट आप कर सकते हैं अकाउंट पे ही चेक DD से। इसके साथ साथ आप अब पेमेंट कर सकते हैं प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से कोई भी, है ना? और अदर बोल लीजिए, अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, मतलब क्या हुआ? तो मतलब आप इसमें बहुत सारा कुछ आ जाता है। आप पहले तो इंटरनेट के थ्रू कर सकते थे, मान लीजिए पहले आप क्या कर सकते थे, RTGS कर सकते थे, NEFT कर सकते थे, है ना? ये सब से आप पेमेंट कर सकते थे बहुत अच्छे से। ये है मेनली इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट्स, ठीक है? लेकिन आजकल तो आप पेमेंट कर सकते हैं कैसे, आजकल आप पेमेंट कर सकते हैं मान लीजिए पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आप पेमेंट कर सकते हैं मान लीजिए कि आपका गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। ये सब सब बहुत सारा आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स का मोड आ गया है। यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? यूपीआई से, भीम और ये सब सबसे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब पेमेंट भी अब क्या है, कैश पेमेंट नहीं माना जाएगा, प्रॉपर पेमेंट माना जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अकाउंट पे चेक से पेमेंट कर दीजिए, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से कर दीजिए, RTGS NEFT ये सब से कर दीजिए। इसके अलावा आप इन सब से भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस एंड प्रोफेशन का हो, चाहे वो 80s ये सब का हो, सबके सब जगह, चाहे वो अदर सोर्सेस का हो, कहीं पर भी हो, आपका ये पेमेंट अगर 10,000 से ज्यादा है तो अलाउड होगा, अगर आप इन सब चीज से भी आप उसका पेमेंट करते हैं। इज दिस क्लियर? तो मेनली अगर हम बात करें तो इतना ही, और भी है हम लोगों का अमेंडमेंट्स, लेकिन हम लोगों के एग्जाम के लिए मेनली इतना ही अमेंडमेंट्स आपका एप्लीकेबल है। इज दिस क्लियर? तो आप इसको अच्छे से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। अगर आपको ये शीट डाउनलोड करना हो, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप अमेंडमेंट का ये शीट डाउनलोड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपने साइट में भी अपने तरफ से जो अमेंडमेंट्स डाला है, आप उसको भी आराम से ICI के साइट से ले सकते हैं, या फिर इसके नीचे आपको लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, है ना? एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके, सो दैट कि आपका रिविजन मैक्सिमम टाइम हो सके, है ना? ये नहीं कि एग्जाम का डेट्स एक्सटेंड हो रहा है, क्या पता और एक्सटेंड हो जाए तो आप पढ़ना कम कर दें या फिर डिस्ट्रैक्ट हो, नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करने का कोशिश कीजिए, वही आपको परफेक्ट करेगा। इज दिस क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच।